हे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरी एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? होप कर तो सब बढ़िया होंगे, मजे करूँगा। मैं माइकल आ चुका हूँ आप सबके लिए एक ब्रांड न्यू वीडियो लेके, और जिस दिन का आप लोगों को और मेरे को बेसब्री से इंतजार था वो दिन आ चुका है। किस चीज़ का? हमारा वाई सिटी जाने का। बिल्कुल सही दोस्तों, पिछली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी तो आपको पता होगा इसकी हमारी नई सिक्योरिटी जो कि $500 मिलियन की है वो लॉस सैंटोस आ चुकी है। और वो $500 मिलियन मैंने अपनी जेब से एक रुपया भी नहीं दिया, मेन सी नहीं है गाइस, मैं सारे के सारे पैसे रॉयल फैमिली के छोटे वारिस ने दिए हैं। मतलब आप कह सकते हो रॉयल फैमिली के छोटे वारिस ने हमें $500 मिलियन की सिक्योरिटी फ्री में दे दी, क्योंकि मैं हूँ गाइस रॉयल फैमिली का सीनियर मेंबर, जैसे कि आपको पता ही है। और मैं उन्हीं के काम से वाई सिटी जा रहा हूँ, और बीच में लिटिल लिटिल मेरा भी काम है, जैसे कि आपको पता अमांडा की खबर हमें सुनने को मिली थी कि अमांडा वाई सिटी में है। अब है या नहीं है, क्या सीन है क्या नहीं, वो तो देखो वाई सिटी में जाके ही पता चलने वाला है। फिलहाल मौसम आप देख सकते हो, शाम का टाइम हो रखा है। और ये रही वो नई सिक्योरिटी जिसकी मैं बातचीत कर रहा था, घोस्ट सिक्योरिटी। बिल्कुल सही, घोस्ट सिक्योरिटी इनका नाम है, और ये है सिक्योरिटी के लीडर गाइस, जिसकी हड्डी बॉडी आप देख सकते हो, महीने भीतर बन जाएगी तेरी सॉलिड बॉडी रे, क्या बात है भाई, सब नशे काट रखी भाई ने तो। चलो बढ़िया है भाई। तो और इतना ही नहीं दोस्तों, साथ ही साथ फ्रैंकलिन मुझे लेने के लिए आ चुका है, क्योंकि फ्रैंक लेने तो क्या है, मुझे छोड़ेगा यार, मेन सी नहीं है। मेरे को निकलना यहाँ से एयरपोर्ट के लिए, रॉयल फैमिली के छोटे वारिस से मेरी सारी बातचीत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पहुँच तू, वहीं अपना बंदा मिलेगा और वो भी वहीं पर आने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ से मैं फ्रैंकलिन के साथ जाने वाला हूँ, तो भाई फ्रैंकलिन मुझे लेने के लिए आ गए। और तू पागल है क्या, चोमू के ऊपर हाथ रख रखा भाई फ्रैंकलिन ने, क्या आदमी है ये, भूतनी का चोमू को कुछ हो गया ना, तेरा कबूतर बना दूंगा ये उड़ता अंडे का, भूतनी का। बाकी देख सकते हो गाइस, अभी फिलहाल कुछ दिन के लिए आपको ये नज़ारे देखने को नहीं मिलने वाले हैं। चलो कोई नहीं, देखते जितनी जल्दी मैं वाई सिटी से काम निपटा पाऊँ, सारी डील डूल कर पाऊँ, मैं तो यही चाहता हूँ फटाफट हो जाओ और अमांडा को भी वापस लेके आओ। सबसे पहले मुझे डील का काम करना है, उसके बाद ही मैं बाकी का काम कर सकता हूँ। मुझे तो भाई छोटे वारिस ये भी कह रहे थे कि सिक्योरिटी ले जानी है साथ में, तो बता दे। मैंने कहा नहीं, मैं अकेले जाऊँगा, सिक्योरिटी की कोई ऐसी मेरे को नीड नहीं है, क्योंकि मैं डील करने के लिए जा रहा हूँ, आराम से बातचीत करने के लिए जा रहा हूँ, वहाँ युद्ध करने नहीं जा रहा दोस्तों, ठीक है। अब वो बंदे कौन है, क्या सीन है क्या नहीं, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे को वाई सिटी जाके ही पता चलने वाली है। फिलहाल वो पानी में क्या है, मैं तो एक चीज़ देख रहा हूँ, वहाँ देखना सामने का इस कुछ तो है पानी में, अच्छा पत्थर है, मैं देख रहा, ये क्या सीन है क्या नहीं। तो वैसे सारी तैयारी हो चुकी है, फ्रैंकलिन आ जा यार, उठ जा यार, और क्या करेगा तू, अपना खाना पीना मैंने लेटल लेटल खा लिया है। जिमी से मेरी बात हुई, जिमी मेरे से नाराज़ हो गया दोस्तों। अब आप लोग बोलोगे जिमी क्यों नाराज़ हो गया, उसको जैसे ही पता चला ना गाइस मैं वाई सिटी जा रहा हूँ, तो जिमी ने बोला मेरे को भी जाना है, मेरे को भी माता जी से मिलना है। फिर मैंने इसे बोला मैं उस काम से नहीं जा रहा, मैं किसी और काम से जा रहा हूँ, बाद में मैं तो यही चाहता हूँ भाई वहाँ से मैं ना अमांडा को लेके आऊँ और जिमी को सरप्राइज़ करूँ। पर जिमी काफ़ी नाराज़ हो गया और वो चले गया भाई अपनी गाड़ी लेके कहीं बाहर। अब मैं उसको संभालूँ या खुद वाई सिटी जाऊँ, तो फ्रैंकलिन बोल रहा है तो उसकी दिक्कत मतलब वो मैं देख लूँगा, मतलब जिमी का ध्यान फ्रैंकलिन देख लेगा भाई, वो तो यही कह रहा है, तो मेरे को तो यहाँ से निकलना ही पड़ेगा भाई। देखो इस बैग में मैंने अपने सारे कपड़े वगैरह रख लिए हैं भाई, तो निकलते हैं, अब देरी किस बात की है नहीं दोस्तों, फटाफट बैग उठाते हैं। और कलुए भूत नहीं क्या, आजा तेरे को सुनाई नहीं देती क्या गाड़ी, पता नहीं गाड़ी भी कौन सी लाया, उसमें डिग्गी भी है नहीं, क्योंकि तो भूख भर के भी तो सो गया हमारे भाई साहब को हैं। फटाफट आ जा भाई, वो सामान डालना मेरे भाई, ऐसा मत कर, डिग्गी खोल गाड़ी की फटाफट, तब तक मैं अपनी सिक्योरिटी से भी बात कर लेता हूँ। तो ठीक है, मैं निकल रहा हूँ फिलहाल, जो जो तुम्हें मैंने समझाया, दो जो भी तुम काम करोगे दोनों टीम मिलके, घोस्ट सिक्योरिटी और रेड डेविल सिक्योरिटी दोनों मिलके काम करोगी, ऐसा मत समझना तुम अलग हो और वो अलग है, तुम दोनों एक ही हो, समझ रहे हो। और वो मुसीबत में तो तुम मदद करोगे, अगर तुम मुसीबत में तो वो 100% तुम्हारी मदद करने वाली हो, तो तुम एक ही हो, ऐसा नहीं समझना अलग है अलग है, समझ गए ना मेरी बात। कोई भी दिक्कत हो, बाकी मैंने तुमको बताया था लेस्टर तुमसे मिलने के लिए आएगा, अगर कुछ भी प्लानिंग होगी वो कुछ भी कमांड देगा वो कमांड तुम्हें माननी पड़ेगी, वो कहीं जाने को बोले तो तुम्हें वहाँ भी जाना पड़ेगा। पर मेक श्योर जिमी के पीछे 24 घंटे सिक्योरिटी होनी चाहिए, गाड़ी में वो कहीं जाए तो उसे फॉलो करना है, ये सारा सीन होना चाहिए, और जिमी को पता नहीं लगना चाहिए इस चीज़ के बारे में, ठीक है। बढ़िया, बाकी तो तुम बढ़िया बंदे हो, तुम्हें सब पता ही है क्या करना है क्या नहीं। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, कुछ ही दिन में तुम्हारी मुलाकात होगी, हो सकता है शायद कल या परसों में ही मैं आ जाऊँ, जितनी जल्दी मेरा काम हो जाए। लेट्स गो दोस्तों, यहाँ का सारा काम हो चुका है, आ जा यार कलुए भूतनी के। तो मैं गाइस फटाफट बैग बुक उठा लेता हूँ, कुछ रहा तो नहीं, अरे कच्चे डालना भूल गया, भूतनी के कच्चे रह गए गाइस, मैं फटाफट अपने कच्चे लेके आता हूँ ऊपर से। ओहो, वहाँ पता नहीं भाई मैं किसके कच्चे पहनता, वैसे तो दुकान में कच्चे मिल जाते हैं, पर फिर भी और अपने कच्चे तो अपने होते हैं ना दोस्तों, औरों के कच्चे क्या पता धोए ना हो। तो गाइस सिक्योरिटी ना, हमारी घोस्ट सिक्योरिटी और रेड डेविल सिक्योरिटी पूरे बढ़िया तरीके से पूरे घर को प्रोटेक्शन दे रही है। कपड़े ले लेते हैं, मेरा कच्चा कच्चा, वो मेरा कच्चा कच्चा, ये कच्चा कच्चा यहाँ तो नहीं है भाई,
मेरा कच्चे कहाँ है? मेरे को तो लग रहा है यहीं से नए कच्चे निकालने पड़ेंगे। पहले अमांडा निकाल के दे दी थी, अब ससुरा खुद ही ढूंढो सारी चीजें यार। अरे नहीं वारिस साहब जी, बस निकल गया हूँ मैं, निकल गया हूँ। हाँ जी हाँ जी, बस निकल गया हूँ। बस अब आप लगा लो, 15 से 20 मिनट में मैं एयरपोर्ट पे ही आऊँगा, वहीं पहुँचो आप भी। ठीक है ठीक है, ओके। तो फाइनली गाइस, रॉयल फैमिली के छोटे वारिस से मेरी बातचीत हो रही थी और बातचीत वगैरह हो गई है उनसे, और वो यही कह रहे थे कि माइकल क्या हो गया, क्या सीन है। तो मैंने उन्हें बता दिया कि भाई मैं निकल गया हूँ, और हाँ फिलहाल आप देख सकते हो ये हमारी जो घोस्ट सिक्योरिटी है वो भी यहाँ पे, और रेड डेविल सिक्योरिटी यहाँ पे, और ऊपर भी गाइस घोस्ट सिक्योरिटी लगा दिया। अच्छे तरीके से सारा सेटलमेंट हो चुकी है। जिमी आपको बाद में यहाँ दिखा देगा, क्योंकि जिमी लॉस सैंटोस में है, मैं उसे लेके नहीं जा रहा हूँ फिलहाल, कि वहाँ पता नहीं क्या होगा, कैसे सारा सीन होगा। तो मैंने सोचा जिमी यहीं ठीक है, यहीं सेफ है, सिक्योरिटी अपनी एक नंबर की। ओके, फ्रैंकलिन ने डिग्गी खोल दी है गाड़ी की। यार फ्रैंकलिन ने बूफर टिकवा रखा भाई साहब इस गाड़ी में, तो देख रहे हो दोस्तों क्या बात है। फ्रैंकलिन ने बूफर बूफर टिकवा रखे गाड़ी में। ये बैग चलो छोटा ही है, मेरा बैग तो आ ही जाएगा। फ्रैंकलिन आ जाए यार, बैग रखवा दे भाई, क्या आदमी है तू। तो गाइस बैग बुक रख देते हैं, बाकी तो मैं रेडी हूँ। अरे यार ये फ़ोन फिर ब्लिंक करने लग गया, किसी और का भी फ़ोन आ रहा है, पर छोड़ो मैं नहीं उठाने वाला फिलहाल गाइस किसी का फ़ोन भी। फटाफट यहाँ से निकलते हैं। आ जा यार फ्रैंकलिन, बैग रखवा। तो देख सकते हो गाइस इस गाड़ी में कौन सी है, जीप है ये तो मेरे ख्याल से। चलो भाई फाइनली गाइस बंद कर दिया मैंने डिग्गी, आप देख सकते हो, और निकलते हैं इस गाड़ी को लेके। फाइनली सारा मैटर डन हो चुका है, आ जा भाई लेट्स गो। फ्रैंकलिन भी बैठ चुका है, मैं भी बैठ चुका हूँ, फ्रैंकलिन की ये जीप लेके निकल रहे हैं भाई। ये तेरी है ये? वैसे ना जिस हिसाब से तू गाड़ी लेके घूमता रहा, तेरी शक्ल से कोई गाड़ी मैच नहीं करती, मैं सच बताऊँ फ्रैंकलिन भाई तुझे। पर चलो ठीक है गाइस, क्या इसकी बेइज्जती करनी है, कल वह भूतनी का भटूरे, लेट्स गो। तो गाइस अरे वाह भाई वाह, गाड़ी में इसने वूफर टिकवा रखा, और गाड़ी में फ्यूल देख लो, ई पे सुई है। ये जो गाड़ी बंद हुई ना ससुरे, तू सोच रहा हो मैं पैसे मैं डलवा दूंगा, देख के स्माइल मार रहा, मैं तेल डलवा दूंगा, मैं नहीं डलवाने वाला, भूतनी को देखूंगा कुत्ती के नीचे। लेट्स गो गाइस, तो गाड़ी हम यहाँ से निकाल रहे हैं, लेट्स गो। चलो भाई ऑलरेडी वी आर टू लेट, उन्होंने मेरे को टाइम दे रखा था, फिर भी गाइस मैं लेट हो गया हूँ, गलती मेरी ही है भाई। गाड़ी तो तगड़ी लग रही है वैसे फ्रैंकलिन की, दोस्तों एक चीज़ बोलनी पड़ेगी, क्या बात है कलुआ भी। ओ भाई साहब गाइस फ्रैंकलिन की गाड़ी कैसी लग रही है एक बार बताना तू। भाई ये क्या करवा रखा है गाड़ी में इसने, पावर एकदम से गाड़ी की देखना, जो झटके मार के निकल रही है गाड़ी, गाड़ी तो इसने एक नंबर बनवा रखी है फ्रैंकलिन। पर चलो ठीक है गाइस, फ्रैंकलिन कह रहा है इतने तेल में चल जाएगी तो चलाना भाई, मैं कहा ठीक है भाई मुझे क्या, बंद हो जाएगी तो अपने आप देखेगा भाई। गाड़ी भागे एक नंबर रही है गाइस, वूफर वूफर भी टिकवा रखे इसने गाड़ी में, बढ़िया बात है। और हमें जैसे कि मैंने आपको बताया एयरपोर्ट के लिए निकलना है, एयरपोर्ट यहाँ से ज़्यादा दूर तो नहीं है भाई, और बस ट्रैफिक ना मिले, ट्रैफिक मिलेगा तो भाई ऐसी ऐसी हो जाएगी। शाम का टाइम आप देख ही सकते हो रखा है भाई, और वाई सिटी पहुँच चुका तो मेरे ख्याल से रात होगी। और तेरी भैंस की, अबे मेरी क्या गलती है, रुक तेरी ऐसी ऐसी, इसको पकड़ूंगा मैं भाई साहब इस गाड़ी के चक्कर में। आपने देखा ना गाइस क्या सीन हुआ, रुक गाड़ी रोक तू, गाड़ी रोक गाड़ी रोक गाड़ी रोक ले गाड़ी रोक ले गाड़ी रोक ले गाड़ी रोक ले, बनाई तेरा हवा ज्यादा हवाबाजी निकलवाऊ तेरी, बाहर निकल। कैसे तू कैसे ले रहा, माना स्पोर्ट्स कार ले रहा तो भूतनी का ज्यादा कर दिखाएगा क्या, बाहर निकल तू, हट जा प्रैंकली इसकी इसकी सासुरी की। अरे हट ना तू भूतनी के, देखो अच्छा मेरे मारेगा। ओ भाई तेरी सासु की जय, ये ले ससुरे तेरी ऐसी तैसी। अब तो गाड़ी मैंने संभाल ली दोस्तों, अबे यार मेरी क्या गलती है फ्रैंकलिन, तो भाई फ्रैंकलिन गुस्सा हो गया, तेरी वजह से मेरी गाड़ी टूट गई है, ये हो गया वो हो गया, यार मेरी गलती है क्या दोस्तों, आप ही बता दो। नाराज होकर पीछे और बैठ गया, क्या हुआ बम्पर गया बस की डैड, नहीं यार ज़्यादा कुछ तो यार, फिर भी गाड़ी में एक स्क्रैच आ जाए ना वही बहुत चीज़ हो जाती है भाई। मेरी वर्कशॉप में चले जाइए, वहाँ अपने आप बंदे कर देंगे ठीक है, नाराज क्यों हो रहा है यार। तो भाई फ्रैंकलिन नाराज हो गया, उसकी गाड़ी ठुक गई भाई, मैंने इसकी गाड़ी बचाने के लिए तो वहाँ ली, वो गाड़ी पूरी घूम गई इसकी, मेरी क्या गलती है यार। और पीछे आप देख सकते हो वही मेरा बैग भी रखा हुआ है यार, मेरी कोई गलती है नहीं, ये मेरे से नाराज हो गया दोस्तों। तुम बताओ मेरी मेरी गलती है कि मैंने तो गाड़ी बचाने की ट्राई करी, वो गाड़ी वहाँ घुस गई, गाड़ी से भिड़ती तो समझ लो इसके बम्पर वम्पर खत्म थे। अभी ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज़ यूँ ही ठीक हो जाएगी, यूँ ही भड़क रहा है मेरे पे बेफालतू में। पर चलो ठीक है, अपन यहाँ से निकलते हैं गाइस फटाफट एयरपोर्ट के लिए, और देखते हैं वहाँ क्या सीन चल रहा है आखिरकार, लेट्स गो। तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुका हूं मैं लोकेशन पे, और छोटे वारिस तो रॉयल फैमिली के जो छोटे वारिस है वो तो ऑलरेडी पहुंच गए भाई, वो मेरे को ही फ़ोन कर रहा है कहां पे रह गया। तो मैंने उन्हें बोला बस 2 मिनट दो, मैं एयरपोर्ट पहुंच गया हूं, बस एंट्री ले रहा हूं गाड़ी के साथ। तो गाइस पीछे डॉक्यूमेंट वगैरह जो चेक करने थे वो हो गए। अरे खोल दे भाई, क्या है ये ससुरे, खुल गया खुल गया खुल गया भाई खुल गया। चलो भाई पता नहीं क्या सीन है, क्या नहीं, क्यों इतना टाइम लगा दिया भाई इन्होंने खोलने के लिए। और मेरे को ना भाई छोटे वारिस ने कहा है हैंगर पड़ेगा सीधा एंट्री पे ही सामने, वहाँ गाड़ी ले आ। तो ठीक है भाई, सामने एंट्री पे ही
इसी एंट्री से कही थी, उन्होंने कहा सामने ही आ जाओ, देख के आना पड़ेगा भाई। ओके चलो कोई दिक्कत नहीं है गाइस। ओके बाकी फ्रैंकली ना गाइस जो नाराज़ हुआ था मेरे से, मेरी से बातचीत हुई तो हमने ट्राई ट्रू भी करा गाड़ी को रोक के, तो भाई ये इसका बम्पर तो गया ही गया, हल्का सा पेंट सा ही, और ये बोनट बंद ही नहीं हो रहा भाई इसका। तो फ्रैंकलिन कह रहा है चल ठीक है करा लूँगा मैं, अब देखो मेरी वर्कशॉप में तो फ्री में ही करवाएगा, मुझे भी पता है, पर मेरे से बाद में कहेगा ए ये हो गया इतना खर्चा कर दिया मैंने, ये कर दिया वो कर दिया, पर छोड़ो यार क्या ही बोलना इसे, ये मेरे को छोड़ने आ गया ना वही बड़ी बात है, तो रॉयल फैमिली को छोड़। अरे ये रे भाई ये खड़े, क्या बात है। तो गाइस आप देख सकते हो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे, लेट्स गो, गाड़ी यहाँ खड़ी करते हैं। आजा फ्रैंकलिन, नाराज मत हो भूतनी के, लेट्स गो गाइस। तो रॉयल फैमिली के छोटे वारिस मुझे अलविदा कहने के लिए आ चुके हैं और मैं निकल रहा हूँ वाई सिटी के लिए इन्हीं के काम के लिए। हेलो वारिस साहब, ये मेरा दोस्त फ्रैंकलिन दी क्लिंटन, इसको प्यार से लोग कलुआ भी कहते हैं, और ये हमारे छोटे वारिस साहब। और अच्छा तो ये प्लेन प्लून तैयार कर रखा है, बाकी मैं ना एक काम करता हूँ दोस्तों, छोटे वारिस से बातचीत कर लेता हूँ कि क्या सीन है क्या नहीं, बाकी सिक्योरिटी तो इनके साथ रहती है जैसे कि आपको पता है, पीछे भी इनकी सिक्योरिटी क्या खड़ी हुई है भाई साहब, क्या बात है। वारिस साहब थोड़े से आज कॉमेडी वाले मूड में लग रहे हैं, एक बार मैं इनसे समझ लेता हूँ क्या सीन है प्रॉपर, फिर आप लोगों को भी बताता हूँ, और फिर निकलते हैं यहाँ से वाई सिटी के लिए। बिल्कुल सही दोस्तों, तो चलो अच्छी बात है। तो हाँ जी वारिस साहब बताइए फिर कैसे कार्यक्रम करना है, वहाँ जाके कौन मिलने वाला है मुझे, कहाँ रुकना है, क्या मीटिंग में बातचीत करनी है, क्या सारा सीन है, एक बार आप मुझे दोबारा बता देंगे तो मेरे लिए भी सही रहेगा। जी वारिस साहब मैं समझ गया जो आपने कहा है, तो चलो मैं चलता हूँ फिर आपसे, वहाँ जाके मैं फ़ोन पर बात कर लूँगा, ठीक है, थैंक यू भाई, लेट्स गो गाइस। तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, वारिस से मेरी बातचीत हो चुकी है जो छोटे वारिस है, एक बार इस क्लिंटन को भी बोल दो भाई, थोड़ा सा नाराज़ हो गया था मेरे से पर अब थोड़ा ठीक लग रहा है। चल भाई निकलता हूँ भाई फ्रैंकलिन, हाँ और आराम से, और जिम्मी का भी ध्यान रखियो, अपना भी ध्यान रखियो, और मेन सी लेस्टर वगैरह सबका ध्यान रखियो, मैं नहीं चाहता पिछली बार की तरह कुछ और कांड हो जाए, कुछ भी दिक्कत हो तो मेरी बात मैंने तेरे से वो मिलवाई दिया हमारे छोटे वारिस साहब से, कुछ भी दिक्कत को लगे कि हाँ भाई अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है मामला, तो रॉयल फैमिली की तू मदद ले सकता है, जैसे कि मैं भाई मुलाकात करवा दिया फ्रैंकलिन की इसके साथ, तो हो गई है सारी सेटलमेंट। चल निकलता हूँ मैं, मिलता हूँ जल्दी, ठीक है। फ्रैंकलिन कह रहा है मैं भी चलता हूँ ना वाई सिटी, पर मैंने इसे मना कर दिया है, तो लेट्स गो दोस्तों, अब मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, ऑलरेडी मेरा सामान रख दिया, और ये हमारे पायलट साहब है, क्या बात है पायलट साहब जी, अरे सैल्यूट क्यों कर रहे हो आप, प्लेन चलाओ यार। तो फाइनली दोस्तों हमारा प्लेन यहाँ से उड़ने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो ये देखो भाई मेन सीन जिसे मैं पायलट समझ रहा था ना, वो भाई वैसे पायलट ही कहेंगे, वो भी तो आगे पायलट के साथ ही बैठा हुआ है, वो पायलट कह सकते हो आप, वो है, और अब हमारा प्लेन यहाँ से उड़ने के लिए रेडी है। वो देखो भाई रॉयल फैमिली के वारिस और फ्रैंकलिन, और मैं निकल गया हूँ यहाँ से गाइस सीधा अपनी उड़ान भरने के लिए, कहाँ की वो तो देखो भाई आप लोगों को भी पता है, यहाँ से वाई सिटी के लिए जिस दिन का बेसब्री से इंतज़ार था वो दिन आ चुका है, और अब हम उड़ने वाले हैं। पर एक चीज़ समझ नहीं आ रही, ये सीन क्या चल रहा है, ये यहाँ कहाँ लेके जा रहा है, मेरे ख्याल से तो यहाँ से उड़ा देना चाहिए थे इसे, पर छोड़ो भाई इनकी ना कोऑर्डिनेशन होती है एयरपोर्ट वालों के साथ, कौन सी किस कहाँ से उड़ेगा तो वही इनका चल रहा होगा, चलो कोई नहीं यहाँ से उड़ेगा तो यहाँ से उड़ा लो भाई, हमें तो भाई पहुँचने से मतलब है दोस्तों, लेट्स गो। और फिलहाल मुझे दिख रही है भाई इन प्लेन वाले ने, भाई साहब पायलट ने गाइस स्पीड पकड़ लिया हमारे प्लेन की, ओ भाई साहब ये देख सकते हो गाइस उड़ चुका है हमारा प्लेन फाइनली वाई सिटी के लिए, क्या बात है क्या बात है। और मैं भी आप लोगों को दिख रहा हूँ गाइस, ये बैठा हुआ हूँ यहाँ अंदर की साइड पीछे, तो मस्त सीन चल रहा है, और थोड़ा सा मुझे दिख रहा है प्लेन हिल रहा है, अरे भाई साहब क्या बात है, ओके क्या ही सीन चल रहा है भाई, कसम से दोस्तों बहुत ही प्यारे नज़ारे, और निकल गए हैं वाई सिटी के लिए, और पायलट से भी मेरी बात हुई थी, और रॉयल फैमिली के छोटे वारिस ने भी बोला कि काफ़ी टाइम हो जाएगा जब तू वहाँ पहुँचेगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखियो अपना भी। भाई प्लेन कैसे हिल रहा है, लगा हवा है कुछ ज़्यादा ही तेज़ चल रही गाइस, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है, अपन को जो टाइम लगेगा अब इतने में मैं सो लेता हूँ, थोड़ा रेस्ट वगैरह कर लेता हूँ, क्योंकि वाई सिटी जाके बहुत से काम मुझे करने हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हो भाई प्लेन आप खुद देखो ना क्या ही गिड़ कर तरीके, भाई बड़ा भयंकर हिल रहा है प्लेन कसम से दोस्तों, वाह रे वाह क्या ही सीन है, और ऊपर ले लिया गया है प्लेन बादलों में दोस्तों, अलग ही सीन है, क्या ही नज़ारे आ रहे हैं, मेन सीन तो वो आप देखो ना भाई। तो चलो भाई यहाँ से निकल गए और आपसे वाई सिटी पे जाके ही मिलने वाले हैं दोस्तों, बिल्कुल सही है, अब देखते हैं वाई सिटी के क्या नज़ारे हैं। और आई नो हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त भी वहाँ रहते हैं टोमी भाई, तो टोमी भाई से भी मुलाकात हो जाएगी तो ठीक है, बाकी देखते हैं मैं टोमी भाई से बात करने जाऊँ या पहले मीटिंग ही करने चले जाऊँगा दोस्तों, अब जो भी होगा वो तो वहीं जाके पता चलने वाला। भाई पायलट रहे तो स्पीड पकड़ ली कत ही भयंकर दोस्तों,
क्या ही स्पीड पकड़ी है, पायलट भाई नहीं मान रहे हमारे। पायलट अंकल तो वैसे की वैसे बहुत बूढ़े से हैं और प्लेन तो कभी ऐसी ले रहा रहे। अरे ये क्या कर रहे हैं, अरे अरे तेरी तो एक्सक्यूटेड। और मेरे को ना गाइस उन्होंने प्राइवेट प्लेन में भेजा है, ऐसा भी नहीं किसी फटीचर में फ्लाइट में भेज दिया हो, प्राइवेट प्लेन में भेजा है भाई रॉयल फैमिली को छोटे वारिस ने। तो आप समझ सकते हो कि रॉयल फैमिली के छोटे वारिस कितने खुले दिल और बड़े दिल वाले हैं दोस्तों। चलो जो भी है सही है, चलते हैं वाई सिटी और फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो फाइनली मेरे दोस्तों वाई सिटी में आप लोगों का स्वागत है। मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है जिसकी वजह से गाइस ऑलरेडी हम 2 घंटे लेट है और हमारे पायलट साहब ने गाइस आप देख सकते हो टायर्स वगैरह ओपन कर लिए भाई अपने इस प्लेन के, क्योंकि अब ये लैंडिंग गियर ऑन हो चुके हैं। अब इसका मतलब हमारा प्लेन लैंड होने वाला है वाई सिटी में। भाई मौसम ख़राब होने की वजह से 2 घंटे लेट है हम। रॉयल फैमिली के छोटे वारिस से मेरी बातचीत हो चुकी है, उन्होंने कहा बंदा हमारा पहुँच चुका है एयरपोर्ट में, वो वहीं से मुझे पिकअप करने वाला है। भाई साहब वाई सिटी के एयरपोर्ट में फाइनली लैंड हो चुके हैं हम, 2 घंटा लेट समझ लो भाई, पर शुक्र करो भाई पहुंच गए वो इसी ने, क्योंकि मौसम एकदम से बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। ओके प्लेन यहाँ घुसने लग गया है, जो भाई बंदा मुझे, अरे भैंस की टाइप पीछे एक बंदा दिखा तो सही दोस्तों मुझे, देखते क्या सीन है क्या नहीं। प्लेन से तो उतरो भाई, पहले मौसम इतना ख़राब है, लाइट वगैरह भी गई क्या एयरपोर्ट की, पता नहीं क्या सीन चल रहा है यार यहाँ तो। हमारे पायलट साहब जी डोर तो खोल दो यार, मैं तो निकलूँ कम से कम, हद होगी यार कसम से। हाँ तो फाइनली दोस्तों वाई सिटी में मैं आ चुका हूँ, यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रुका है और ये भाई साहब मुझे लेने के लिए आए हैं। इन्होंने मुझे बोला है कि सब कुछ रेडी है, फटाफट गाड़ी में बैठो। मैं इनसे एक चीज़ बोल रहा हूँ कि गाड़ी मुझे चलाने दो भाई, मेरा बहुत मन है वाई सिटी में गाड़ी चलाने का, देखते हैं भाई ये मानेंगे या नहीं। बाकी मेरा सामान इस गाड़ी में लोड कर दो और ये मुझे होटल तक छोड़ने वाले हैं जहाँ पर फिलहाल मैं रात को रहने वाला हूँ। बाकी सुबह का सीन जो भी होगा वो सब आपको पता चल जाएगा। मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और मैं भीग भी गया भाई, और ये तो भाई मस्त चोड़ में गाड़ी के ऊपर बैठे हो, जी वैगन भिजवाई है मेरे लिए भाई, देख रहे हो रॉयल फैमिली को छोटे वारिस ने ये बंदा आया मुझे लेने, क्या ही बात है भाई साहब। गाड़ी चलाने तो यार मैं भी वाई सिटी में पहले बहुत आया करता था, प्लीज़ मुझे गाड़ी चला दो, मुझे रस्तों का भी पता है। देखते भाई मान जाएगा तो ठीक है, नहीं तो इसको जो ऑर्डर मिले गए होंगे ना भाई वो उसी ऑर्डर को फॉलो करेगा। लेट्स सी मान जाएगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी माना तो कुछ नहीं कर सकते दोस्तों भाई, मना के देख लेता हूँ। बाकी पायलट वगैरह से मेरी बातचीत हो चुकी है, वो तो अपना प्लेन यहाँ से निकालने की तैयारी में है, बस एक बार मौसम ठीक हो जाए ठीक है भाई हम भी निकलते हैं। और तो क्या ही बोलूँ दोस्तों मैं, यार यहाँ अंधेरा बहुत है। तो भाई यहाँ से हम निकल चुके हैं, इस भाई को मैंने कहा गाड़ी दे दे, कह रहा है भाई हमें ऑर्डर है सर जी, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, पर आपका जो चाहते हो इस चीज़ की मैं बात जरूर करूँगा भाई, आगे कह रहा है मैं आगे ऑर्डर पहुँचा दूँगा। मैंने कहा क्या बातें कर रहा है भाई, इनको जो काम दिया गया है ना गाइस वो काम ये फॉलो करेंगे ही करेंगे। और मेन सीन ये है वाई सिटी का, आप हाल देख सकते हो भाई, अभी तो यहाँ वर्षा ऋतु का माहौल हो रखा है बड़ा भयंकर दोस्तों, बहुत भयंकर तरीके की बारिश हो रखी है यहाँ पे। तो भाई पता नहीं इसको दिख भी कैसे रहा, मैं तो ये देख रहा हूँ। और फिलहाल ना गाइस मेन सीन ये है, यहाँ पे ये कह रहा है कि सर हमें तो रूल फॉलो करने पड़ेंगे, अगर हम रूल फॉलो नहीं करेंगे तो हम पे बात आ जाएगी, ये है वो है। मैं कहा ठीक है भाई अब तो रूल फॉलो कर ले, और क्या ही बोलूँ मैं ठीक है। बाकी ये देख सकते हो गाइस ये रहा एयरपोर्ट यहाँ का, भाई क्या ही सीन है, कितना प्यारा मस्त एयरपोर्ट है ना भाई, क्या ही है। अब अंधेरे में तो क्या ही दिख रहा है, पर फिर भी गाइस ये एयरपोर्ट है पूरा सीन है, और यहाँ लाइट है पर वहाँ लाइट भी सेट नहीं कर रखी भाई, या फिर फ्यूज़ वगैरह उड़ गए होंगे इतनी तेज़ की, ये कह रहा है बारिश हो गई है यहाँ पे। पर छोड़ो भाई अपन को उससे लेना क्या, अपन यहाँ से निकल गए, अब देखते हैं कौन से ये होटल मुझे लेके जाने वाला है। ऑलरेडी मैंने कुछ भी बुकिंग नहीं करवाई है, रॉयल फैमिली के जो छोटे वारिस हैं उन्होंने ही सारी चीज़ करवाई है। तो वाई सिटी में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों, जिस टाइम पर हमें पहुँचना था उससे भी हम 2 घंटे लेट हैं, तो क्या ही बोलूँ मैं। अब देखते हैं सुबह का क्या नज़ारा होगा, मैं तो वो देखना चाहता हूँ। बिजली गड़गड़ाने की देख रहे हो कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है भाई, अलग ही तरह का मौसम हो रखा है वाई सिटी में, मैंने नहीं सोचा था इस हिसाब का मौसम होगा भाई, पर जो भी है क्या ही बोलूँ। ठीक है भाई अभी सुबह का मैं एक हिसाब से टाइम लगाऊँ तो भाई आप देख सकते हो 2:17 हो रहे हैं भाई, ठीक है रात के 2:17 हो रहे हैं भाई, सुबह के नहीं, रात के 2:17 हो रहे हैं। अब लेट्स सी कि कहाँ लेके जाएगा क्या नहीं भाई, अब उस बारे में तो देखो मैं क्या ही बोलूँ। और यहाँ का मौसम कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रखा है भाई, कसम से सही कह रहा था बंदा कि मौसम कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, मैं गाड़ी आपको नहीं दे पाता, पानी देख रहे हो रोडों तक आ जा रहा है भाई, सही में मौसम तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया भाई वाई सिटी का दोस्तों, रोड पूरे खाली है भाई, गाड़ियाँ भी नहीं दिख रही है, इतना बुरा हाल वाई सिटी का। यही तो है यहाँ पानी बहुत है भाई, यहाँ आपको पानी पानी दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा भाई, जैसे दुबई का हाल हो गया था ना अभी वैसा हाल वाई सिटी का हो गया, देख रहे हो दोस्तों क्या सीन है क्या नहीं। भाई कौन से होटल लेके जा रहा है कम से कम ये तो बता दे चचा, कि भाई अपने काम पे फोकस है, जो इसे काम दिया गया है उसी पे फोकस है ना, कुछ फालतू की बातें कर रहा है बस वहीं फोकस है इसका। मौसम देख रहा होगा इस कितना ख़राब है, आगे वाली गाड़ी भी कैसे क्या, ओ भाई 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 कुछ ज़्यादा ही ख़राब है मौसम भाई, कुछ ज़्यादा ही ख़राब। ओ भाई 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 भाई, भाई, भाई हमारे बंदे ने तो ब्रेक लगा लिया, दूसरी गाड़ी को झटका पड़ा, वो बंदा निकल गया भाई गाड़ी में से,
हमारा बंदा थोड़ा मेरे ख्याल से ऐसा है भाई, इसे पता है कौन से रास्तों से कैसे निकालनी है, और अपने वाला भी कहीं कांड ना करवा दे भाई, कुछ ज्यादा ही खराब है यहाँ का मौसम तो। ओ जी वैगन पानी में घुस गई दोस्तों। अरे ससुरे बंद क्यों कर दी? पता इसने गाड़ी बंद कर दी नहीं, पर भाई इसने गाड़ी तुरंत स्टार्ट कर दी। पता नहीं क्या सीन इसने, भाई मेरे को लग रहा है पानी ना घुस जाए, इसलिए इसने इंजन एकदम से ऑफ कर दिया कि बैटरी में ज्यादा दिक्कत ना हो जाए। पता नहीं क्या दिमाग लगाया इसने क्या नहीं, पर मौसम सही में गाइस कुछ ज्यादा ही खराब है। वाई सिटी के हाल इतने बेहाल, तो भाई सही है मैंने गाड़ी नहीं चलाई। तो फटाफट भाई अपने ना वहाँ चलते हैं गाइस, जो होटल वगैरह इन्होंने मेरे लिए बुक करवा रखा है, और फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो फाइनली मेरे प्यारे दोस्तों आ चुका हूँ मैं अपने होटल रूम में। वो बंदा मुझे छोड़ के चले गया और बोल के गया सर जी कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना। सही है उसने मुझे बोला मैं सुबह आपसे मिलता हूँ, और काफ़ी लेट हो गया भाई कसम से दोस्तों। और मौसम यहाँ का कुछ ज़्यादा ही भाई भयानक सा हो चुका है। हालाँकि ऐसे मौसम मैंने भी देखे हैं, पर इतना भयानक वाई सिटी में पहले नहीं देखा। जब मैं वाई सिटी में पहले आया करता था मौसम हो जाता था ऐसा ख़राब भाई यहाँ का, क्योंकि साइड में समुंदर आयु पानी आ जाए। पर चलो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, अपने रूम में चलते हैं। इतना बड़ा कमरा मेरे लिए बुक करवा दिया ना भाई, मैं क्या ही बोलूँ दोस्तों। इधर भी रूम, मतलब छोटे वारिस नहीं मान रहे उन्होंने तो मेरे को इतना खुश कर दिया है। तो चलो मैं क्या भाई कुछ ज़्यादा भीग गए थे, ठंडक हो गई थी, थोड़ी सी गर्मी ले लेते हैं, इसीलिए गाइस अपन थोड़े से मनोरंजन में अपने। और ये अपना एक ये देख सकते हो दोस्तों, ये अरे ससुरा कमरा नहीं खुल रहा, चल छोड़ो मुझे क्या, मैं अपना यही वाला कमरा आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। तो ये सीन आप देख सकते हो, ये रहा अपना बेडरूम, यहाँ पे मस्त सोऊंगा बैस की टैट, सुबह उठूंगा कसम से। और ये देखना भाई ये रहा हमारा बाथरूम, देख रहे हो अलग ही सोदा, डेटोल हो, साबुन सुबुन भी मस्त इन्होंने रखा हुआ है दोस्तों। सही है यार, जो भी अपना सारा काम हो चुका है दोस्तों। और अब मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ ना कि सो जाऊँ भाई कसम से, काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, तो मैं आप लोगों से ना सुबह ही मिलने वाला हूँ दोस्तों। तो चलो सो जाता हूँ और आपसे मिलते हैं हम कल सुबह। बिल्कुल सही दोस्तों, ठीक है मैं तुम्हारी सारी बात समझ गया जो तुमने मुझे बोला है। तो मीटिंग के टाइम पे मैं लोकेशन पे पहुंच जाऊंगा जो तुमने मुझे दिया। तो फाइनली गाइस इस बंदे से मेरी मीटिंग होगी। रात को तो भूतनी की शक्ल भी नहीं देखी मुझे अच्छी तरीके से, पर ये वो बंदा है जो कि मेरी मदद कर रहा है वाई सिटी में, और रॉयल फैमिली के मेंबर से पता नहीं इसने कब बात कर ली, क्या सीन हुआ क्या नहीं भाई। क्योंकि कल मैंने आपको बोला था ना मेरे को गाड़ी के बारे में, मैंने इससे बात करी थी, सुबह मेरे लिए गाड़ी भिजवा दी गई है, देख लो गाइस। अब ये गाड़ी तो आपको पता ही है कि कौन सी है कौन सी नहीं, अगर नहीं पता तो भाई क्या ही बोलूँ, अगर पता तो कमेंट में बता दो भाई। बहुत ही प्यारी गाड़ी भिजवाई है रॉयल फैमिली के छोटे वारिस ने मेरे लिए। इस बंदे ने मुझे लोकेशन भेज दिया जहाँ पे हमारी मीटिंग होने वाली है, और बंदे का नाम भी बता दिया जेसन, जिसके साथ मीटिंग होने वाली है, ठीक है। और ठीक है सारी चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल मैं इस गाड़ी को लेकर जाने वाला हूँ मीटिंग की लोकेशन में। पर मीटिंग में टाइम है दोस्तों, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना थोड़ी सी गेड़ी गोड़ी मारी जाए वाई सिटी में। नाम बता दो अगर आपको इस गाड़ी का पता है, ठीक है, अगर नहीं पता तो फिर तो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूँ। इस बंदे ने कहा टाइम पे पहुंच जाना, ये सुबह सुबह भाई मेरे से बातचीत करने के लिए आ गया था, फिर मैं नहा धो के नीचे आया हूँ। वाई सिटी में आप लोगों का स्वागत है गाइस, ठीक है। कल रात को तो यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा था, और अब देखो यहाँ के तो टोटली नज़ारे ही अब बदल गए हैं भाई। और इस होटल में मोइस्ट पाम होटल में मैं फिलहाल रुका हुआ था गाइस। भाई इस गाड़ी की आवाज़ आहा क्या प्यारी है भाई साहब, ये देखना क्या ही कसम से गाइस बहुत ही प्यारी। और रात को आपने देखा था इसी रोड से आए थे हम, इसी रोड से दोस्तों, इसी रोड पे पानी पानी हो गया था, पानी पानी, और सुबह तक सब कुछ साफ। कोई कुछ कह सकता है रात को क्या हो रहा था इस रोड पे? कुछ भी नहीं, क्योंकि बारिश हट चुकी है, जो भी वेदर ख़राब हो गया था सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। और फिलहाल सबसे पहले मैं कहाँ जा रहा हूँ आप लोगों को बता दूँ, अपने टॉमी भाई से मिलने के लिए, ठीक है। जहाँ तक मुझे याद है रास्ता यहीं से ही है भाई, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं यहाँ पर आने वाला हूँ। अब वो बात है रूल हम यहाँ पर भी फॉलो नहीं करते, ठीक है, क्योंकि अपने टॉमी भाई की भी चलती है गाइस यहाँ पर। क्या ही सीन है भाई, ये गाड़ी क्या ही प्यारी दे दी इस गाड़ी से। तो मुझे ये था क्योंकि मैंने सोच रखा था एक ऐसी गाड़ी तो मैं ज़रूर अपने लिए बाय करूँगा, लॉस सैंटोस जाके ये गाड़ी मैं 100% खरीदूँगा। बता दो दोस्तों ये गाड़ी खरीद लूँ या नहीं, अरे बहुत पसंद है मुझे इस टाइप की गाड़ी का। ये देखना आवाज़ देखो भाई, क्या पसंदीदा गाड़ी भेजी है भाई मेरे लिए। तो मेरे ख्याल से यही था, आइसलैंड ब्रिज पे ही था गाइस उनका, वो मेरे को पक्का पता है। और अपने टोमी भाई का देखो भाई, मैं फ़ोन तो क्या ही मिलाऊँ, मेरा फ़ोन से सब डिटेल चोरी, मतलब आपको पता है फ़ोन ही नहीं रहा तो क्या ही बोलूँ मैं उस चीज़ के बारे में। तो नंबर सह नहीं, पर टोमी भाई के मैं इलाके में आ चुका हूँ, इनसे बात करते हैं कि क्या सीन है क्या नहीं, टोमी भाई है भी या नहीं भी, क्या चल रहा है पूरा प्रोग्राम, लेट्स सी। तो फाइनली गाइस आ चुके हैं हम टोमी भाई के घर पर, टोमी भाई है या नहीं ये देखते भाई। काफ़ी टाइम टोमी भाई का घर एक तो ये, अरे भाई कितने झाड़ वाड़ उड़ गए हैं, कितने झाड़ उग गए हैं। अब टोमी भाई है या नहीं वो तो मुझे नहीं पता भाई दोस्तों, पर जिस हिसाब से पूरा खाली पड़ा है मेरे को नहीं लगता टोमी भाई है यहाँ पे। लेट्स सी, देख लेते हैं कि टोमी भाई है भी या नहीं भी। पूरा एरिया खाली कैसे पड़ा है यहाँ, बाहर से फट की आवाज़ आई, किसी ने ठोक ठोक तो नहीं दी गाड़ी अपनी,
पता नहीं क्या सीन है, देख लेते हैं बाकी क्या सीन है क्या नहीं। भाई इतना सन्नाटा टोमी भाई के इलाके में होता नहीं है भाई, वैसे यहाँ बंदे खड़े रहते हैं मस्त इंजॉय वगैरह करते हैं, यहाँ इतना सन्नाटा क्यों, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही। टोमी भाई, टोमी, अब ये मत सोचना मैं किसी कुत्ते को बुला रहा हूँ, टोमी भाई का नाम ही टोमी है। हाँ वो बात अलग है, कुत्ते को भी टोमी भाई नाम रख देते हैं बंदे। टोमी भाई, तो टोमी भाई का कमरा तो यही है दोस्तों, पर टोमी भाई का कमरा खाली क्यों पड़ा है भाई? मेरे ख्याल से टोमी भाई है नहीं है, या फिर वो कहीं गए हुए हैं दोस्तों। अरे यार मैं बताऊं गाइस, उस जेसन के बारे में कुछ डिटेल्स वगैरह पता करना चाहता था टोमी भाई से, ये मुझे बता देते कि क्या सीन है क्या नहीं, पर टोमी भाई है नहीं, जेसन नाम का बंदा मुझे बताया गया दोस्तों। अब देखते क्या सीन है क्या नहीं, चलो लेट्स सी। अब यहाँ पे तो कोई है नहीं, कोई दिख भी तो नहीं रहा भाई, टोमी भाई का ऑफिस यही है दोस्तों यहाँ। ओ सामने गाइस कुछ बंदे हैं, एक सेकेंड, सामने कुछ बंदे तो क्या, एक ताऊ नाच रहा भाई साहब यहाँ, तो ताऊ तो मस्त मजे ले रहा है, डिस्को दीवाने कर रहा है। इस ताऊ से पूछता हूँ भाई इसे पता है या नहीं, क्योंकि टोमी भाई के घर में ये नाच रहे हैं तो मैं भी इन्हें कुछ ना कुछ तो पता हो दोस्तों। तो एक काम करता हूँ मैं इनसे डिटेल वगैरह लेता हूँ टोमी भाई की, और नंबर जरूर ले लूँगा टोमी भाई का, देखते हैं क्या सीन होने वाला है क्या नहीं, क्योंकि टोमी भाई अभी यहाँ तो है नहीं, पर ये ताऊ जरूर बता सकते हैं मेरे को कि टोमी भाई कहाँ मिल सकते हैं कहाँ नहीं। और फिर हमें निकलना भैया जेसन से मीटिंग करने के लिए, जेसन नाम बताया है और एक और नाम बताया था मुझे, लूसिया, हाँ लूसिया। अब वो जेसन लूसिया पता नहीं क्या सीन है क्या नहीं, और मीटिंग क्यों करने आ रहे हैं आखिरकार, ऐसी क्या दिक्कत हो गई है गाइस जिसकी वजह से हम यहाँ पे बातचीत करने आए हैं, उनसे मीटिंग करने के लिए आए हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले टोमी भाई का पता करना बहुत जरूरी है कि टोमी भाई आखिरकार है तो है का। लेट्स गो अंकल से पता करते हैं, जो जो अंकल है, ताऊ, रताऊ मेरी बात सुन ले, रताऊ भाई, ताऊ नहीं सुन रहा, ताऊ इंगन आइए एक बार, ताऊ, अरे भाई सब बात तो सुन लो। अरे यार तो गाइस एक काम करता हूँ मैं इनसे पूछ के फिर आप लोगों से मिलता हूँ, ताऊ नहीं सुन रहा, अरे ताऊ आ जाओ यार एक बार बात तो सुन लो भाई साहब, ताऊ नहीं मान रहा यार। तो फाइनली दोस्तों यहाँ से मैं निकल चुका हूँ, ताऊ ने बोला कि भाई टोमी तो गया हुआ है एक बहुत ज़रूरी काम से, वो फिलहाल लगेगा उसे टाइम आने में। अब क्या बोलूँगा गाइस, टोमी भाई से मुलाकात नहीं हो पाई, मेरे को उन्हीं से बात करनी थी, पर चलो ठीक है अब कुछ नहीं कर सकते भाई, नहीं हो पाई तो नहीं हो पाई, जब किस्मत हो खुद तो फिर की करेगा बोन बेटा था दूध। और फिलहाल यही सीन है भाई, अपन को अभी फिलहाल थोड़ा बहुत टाइम है वैसे तो दोस्तों अपन की मीटिंग में, क्योंकि जो मीटिंग का टाइम फिक्स हुआ है उसमें टाइम तो है, फिर कर क्या करा जाए, क्योंकि यहाँ तो फिर अपन गेड़ ही लगा सकते हैं और क्या। ओ भाई साहब क्या ही बात है, मस्त सीन है भाई, बाकी गाड़ी गोड़ी तो अपन सही चल रही है। अपन अपनी मीटिंग की लोकेशन पे चलते हैं ना दोस्तों, जहाँ हमें बुलाया गया, हमें बुलाया गया भाई गोल्फ वाले कोर्ट में, गोल्फ कोर्ट में देखते हैं कि क्या सीन है क्या नहीं। गोल्फ कोर्ट का रास्ता भी यहीं से जाता है भाई मुझे याद है, और ये बिल्डिंग अभी तक नहीं बनी क्या, इस बे बिल्डिंग कभी नहीं बनने वाली मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ, मेरे को नहीं लगता है बिल्डिंग कभी बनेगी भी। तो स्टारफिश आइसलैंड पे आप देख सकते हो हम यहाँ आ चुके हैं, और यहाँ पे ना गाइस अलग, यू आर नाउ एंटरिंग वाई सिटी बीच, अच्छा क्या बात है, यहीं थोड़े मज़े मुझे ले लिया जाएगा क्योंकि अभी हमारे पास टाइम तो है दोस्तों। अब लोकेशन भी ज़्यादा दूर है नहीं, लोकेशन के भी मैं पास में ही हूँ। भाई साहब क्या बंदा, देखो कैसे तेरी भूतनी का, क्या ही बोलूँ मैं इस चीज़ के बारे में। लेट्स गो दोस्तों, तो यहाँ से हम निकल गए हैं, अब देखते हैं कि क्या होने वाली है बातचीत क्या नहीं। और मुझे याद है एक बार ना गाइस यहाँ के ना पुलिस वालों ने मुझे अरेस्ट कर लिया, तो भाई टोमी आए भाई आए थे मुझे बचाने के लिए, और ये है पुलिस स्टेशन देख रहे हो, लेके चलता हूँ एक बार पुलिस स्टेशन के बाहर, एक बार गाड़ी ना गाइस आपको पुलिस स्टेशन दिखाता हूँ, ये रहा देखो वाई सिटी पुलिस। भाई साहब पुलिस वाले मेरे को डंडे मारने वाले थे, पर भाई इतने में टोमी भाई आए, बंदे ले गए अपनी गाड़ी फुल्ली लोडेड करके, पर मुझे बचा लिया, देख रहे हो भाई टोमी भाई की बातचीत अलग है दोस्तों। पर चलो कोई नहीं, सही है, अब अपन करे तो करेगा। वेस्पुची बीच चलेगा इस, वेस्पुची बीच या वाई सिटी बीच माना जाएगा, मैं कहाँ वेस्पुची बीच की बातचीत कर रहा हूँ, तो वाई सिटी बीच चलते हैं दोस्तों। फिलहाल हम पे टाइम वगैरह भी है, और एक इलाका है जहाँ पे यहाँ पार्टी वूटी भी होती है, एक बहुत बड़ा होटल है यहाँ पे, वहाँ पार्टी वगैरह भी होती है, देखते हैं भाई क्या सीन है क्या नहीं। क्योंकि मुझे टोमी भाई लेके आए थे और फ्री में एंट्री करवाई थी मेरी पीछे से, क्योंकि टोमी भाई कह रहे हैं पीछे से एंट्री कर लेते, कोई नहीं देखने वाला। लेट्स सी गाइस, अभी भी पीछे से एंट्री होती है यहाँ पार्टी वूटी की, देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं, पार्टी हो भी रही है नहीं मुझे तो ये भी नहीं पता, पर मैं तो ऐसे ही आ गया हूँ दोस्तों, मुझे नहीं पता सही में क्या हो रहा है। नहीं यार आज तो यहाँ कोई पार्टी पुटी नहीं है, सब कुछ सुनसान है, ये है वो होटल बहुत बड़ा, उस दिन तो यहाँ पे बहुत ही भयंकर पार्टी हो रही थी। नो स्विमिंग पूल क्लीनिंग इन प्रोसेस, अच्छा इसीलिए यहाँ पे अभी फिर कुछ पार्टी पुटी नहीं हो रहा, मैं कुछ ज़्यादा जल्दी आ गया हूँ क्या, पर ठीक है जो भी है गाइज अब क्या ही बोलना, मतलब सीन तो यही है, यहीं पार्टी होती थी बड़ी भयंकर भाई, 101% याद है मुझे, बहुत ही भयंकर मजे लिए थे टोमी भाई और मैंने। तो वाई सिटी बीच में घूम रहे हैं दोस्तों हम,
आपकी कुछ यादें हैं वाई सिटी को लेकर तो बताना जरूर, उस लोकेशन पे हम जाएंगे वाई सिटी में। फिर लेट्स गो, अपनी गाड़ी यहाँ से निकालते हैं, बस ये गाड़ी फंस ना जाए। वैसे फंसने का तो सवाल भी पैदा नहीं होता, पर फिर भी थोड़ा सा अपन को सेफ रहना पड़ेगा गाइस। और होटल यहाँ पे एक और है, होटल तो बहुत बड़े बड़े हैं, पर रॉयल फैमिली को छोटे वारिस ने मेरा बहुत मतलब दूर होटल करवा रखा है यार बुक। पर हाँ वहाँ से तो पास में यार, एयरपोर्ट से लगता है, इसीलिए करवा दिया होगा ताकि मैं थक वगैरह ना जाऊँ। ठीक है, पर जो भी है गाइस, क्या ही बोलूँ मैं इस चीज़ के बारे में। पर यहाँ के लोगों को भी दिमाग नहीं है, देख रहे हो कैसे। अरे अरे भूतनी के भाई, कितना प्यारा हो रहा है मेरी इस गाड़ी का, देख रहे हो दोस्तों। सही, मेरी गाड़ी मेरे को पसंद आ गई, सेम मॉडल की गाड़ी मंगवाऊंगा और फिर देखना क्या मॉडिफिकेशन करवाऊंगा इस गाड़ी में मैं 101%, ये मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ। और बाकी गाइस मुझे याद है यहाँ पे भी है, ये देखो मूनलाइट होटल, इस लाइन में होटल ही होटल है गाइस। एक ये होटल मतलब एक एक नंबर के होटल है यहाँ पे तो। पर छोड़ो अब क्या ही बात करने हैं, यहाँ की तो भाई वही पुरानी बात, एक पुरानी यादें ताज़ा हो चुकी है, अपनी वाई सिटी आ गए दोस्तों। एक चीज़ बताऊँ तो, और ये देखो यहाँ पे भी मुझे याद है, टोमी भाई और मैं मस्त आते थे और यहाँ पे चिल फन करते थे भाई। यहाँ अलग ही सीन होता था भाई यहाँ पे तो, कसम से दोस्तों। अब लोकेशन पे ही चलते हैं मेरे ख्याल से भाई, वहाँ मैं जब तक पहुँचूंगा लेट ना हो जाऊँ दोस्तों, मैं यही चाहता हूँ। तो अपन एक काम करते हैं, फटाफट यहाँ से ना लोकेशन के लिए निकलते हैं जहाँ हमारी मीटिंग होने वाली है, और फिर आप लोगों से मिलते हैं। लेट्स गो मेरे यारो। जी वारिस साहब, आप बिल्कुल भी दिक्कत मत लो, मीटिंग आपने फिक्स करवा दी है, बस अब आगे का काम मैं देख लूँगा। ठीक है, बाकी वो भी मैंने चेक कर लिया है, डिग्गी में रखा हुआ है मामला। हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी होगा मैं देख लूँगा, कोई नहीं। ठीक है, थैंक यू। तो फाइनली मेरे प्यारे दोस्तों, रॉयल फैमिली के छोटे वारिस से मैं अभी बात कर रहा था, उन्होंने मुझे सब समझा दिया कि अंदर कैसे बातचीत करनी है, क्या क्या मुझे चीज़ें रखनी है आगे उनके पॉइंट्स में। तो फिलहाल काफ़ी लोगों के दिमाग में कि ये सब चल क्यों रहा है, लेकिन उससे पहले उन्होंने मुझे ये कहा रॉयल फैमिली के छोटे वारिस से, जब तू एंटर करेगा ना, वो तेरा वेपन जो भी तेरे पास होंगे वो बाहर ही रखवा देंगे, इसलिए अपने पास वेपन पिस्टल ही लेके जाइए और कुछ नहीं, पिस्टल फिर भी लेकर जाइए अपने साथ, कोई नहीं बाहर रखवा देंगे। अगर उन्होंने मुझे बोला, तेरे को लगा कि सेफ मैटर नहीं है, कुछ पंगा हो सकता, वहाँ से फरार होकर सबसे पहले अपनी गाड़ी के पास आना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरी इस गाड़ी में गाइस मैटर ऑलरेडी लोडेड करके भेज रखे हैं। फिलहाल आप देख सकते हो, उन्होंने भाई मेरी इस गाड़ी में गन्स पीछे डिग्गी में डाल रखी है। मुझे लगा खतरा है, तो बस आना है गाड़ी के पास और गन घड़ 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 कर देना है। बाकी उन्होंने कहा नौबत ऐसी आएगी नहीं, पर फिर भी मुझे अपने तरीके से भैया चौकन्ना रहना है। और उन्होंने बोला है जो भी करियो सोच समझ के करियो। फिलहाल ये सब हो क्यों रहा है, क्यों हम यहाँ पे मीटिंग के लिए आए हैं, मेन सीन ये है जैसे कि मैंने आपको बताया था, पर अब मैं आपको अच्छे तरीके से ब्रीफली बता। देखो अब मेन सीन हुआ है दोस्तों कुछ ऐसा, हमारे जो रॉयल फैमिली के छोटे वारिस हैं उनके शिप में ना काफ़ी ज़्यादा सामान आते हैं और वाई सिटी से होते हुए आते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो ये दोनों बंदे जिनके पास हम मीटिंग करने के लिए आए हैं, जेसन और लूसिया, इनका काम ये है कि ये भैंस की टट हमारी सीपी आगे नहीं आने देते। ये कह देते हैं भाई जिसका माल है कहीं और से जाएगा, यहाँ से कोई फालतू का माल नहीं जाएगा, और जाएगा तो भाई हमें पेमेंट करके जाओ। और वो पेमेंट ऐसी भी नहीं, कई बार तो ये हमारे बंदों को मार देते, कहते हमारे इलाके से जाना ही नहीं, और कई बार कह देते हैं पेमेंट दो जब ही जाने देंगे। तो कुछ ना कुछ इस चीज़ की पेमेंट, इसका सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा ना दोस्तों, ऐसे तो मैटर होगा नहीं। और मेन सीन ये है, हमारे उस हिस्से से आधा हिस्सा रख लेते हैं। अब लोस तो हो गया ना हमारा, इनको पैसे भी दो, इनको हिस्सा भी दो, और कई बार इनकी मर्जी ना हो तो अपना पेमेंट भी, पेमेंट पे अपने बंदे भी मार देते हैं हमारे, और कभी कभी तो सिप उल्टी भेज देते हैं, दूसरी साइड से हमें सिप घुमा के लेके आनी पड़ती है। तो हम आए इसीलिए तसल्ली से इनसे बातचीत करें क्या सीन है, क्योंकि ऑलरेडी एक दो बंदे हैं रॉयल फैमिली के छोटे वारिस ने भेजे हैं, उनसे तो सेटलमेंट हो नहीं पाई, इसलिए उन्होंने मेरे को भेजा यहाँ पे मीटिंग करने के लिए। लेट्स सी गाइस क्या हुआ क्या नहीं, मैंने तसल्ली से बताऊँ, हमारे साथ रहोगे, प्रॉफिट में रहोगे, हम तुम्हें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे। उन्होंने कहा जो भी उनकी डिमांड होगी तो कह दियो, ठीक है हम पूरी करवा देंगे, क्योंकि भाई लाखों करोड़ों का नहीं, उससे भी एक्स्ट्रा भाई यहाँ से सामान हमारा जाता है, और यहाँ से वाई सिटी से सामान आने का मतलब ये है सामान जल्दी हमारे लॉस सैंटोस में पहुँच जाएगा, समझ लो मेरी बात। अगर फिर हम ये यहाँ से एंट्री नहीं देते हमारी सिप को, तो सिप पूरी घूम के आती है भाई, जिससे पेट्रोल और भी चीज़ें खर्चा बढ़ जाता है और सामान भी लेट डिलीवर होता है रॉयल फैमिली के छोटे वारिस के पास। तो इसलिए हम यहाँ मीटिंग करने के लिए आए हैं, लेट्स ये मानेंगे या नहीं मानेंगे। और मेनली भाई ये वेपन्स वगैरह आते हैं और भी चीज़ें आते हैं, तो इसलिए ऐसी चीज़ों को तो ये आने ही नहीं देते यहाँ पे, कहते हैं नहीं भाई तुम इलीगल कर रहे हो, ये है वो है ये सब है, तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे ये मना वगैरह कर देते हैं। लेट्स ये अब क्या हुआ क्या नहीं, भाई मैं निकल रहा हूँ यहाँ से मीटिंग करने के लिए, सीधा जो होगा आप सब लोगों के सामने होगा दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले तो ये डिग्गी बंद करनी है मुझे डिग्गी में, क्योंकि आपको पता है एक भाई असले फुल्ली लोडेड है। इतना ही नहीं, मेरे पास पिस्टल भी है, पिस्टल भी डैशबोर्ड में थी इस गाड़ी में, तो उन्होंने बोला था पिस्टल भी होगी तेरे पास। तो बस देखो, बस ये है कि चौकन्ना रहना है, बोल रहा तो ये भी है कि मेरी पिस्टल वो बाहर ही निकलवा देंगे, सिक्योरिटी गार्ड अगर रखवा देंगे तो ठीक है भाई, पिस्टल दे दूंगा, मैं क्या करूँ। उन्होंने बोला बिल्कुल आराम से बातचीत करनी है,
कुछ घबराने का नहीं है, जैसा वो बोलेंगे वैसे मुझे उनकी बात माननी है दोस्तों। ठीक है, बात मान लेंगे हम। देखो भाई, ऐसे बेफालतू में बदमाशी क्यों ही करेंगे अगर अगले वाला बदमाशी नहीं करेगा हमारे साथ। आप लोगों को भी पता ही है हम ऐसे बदमाशी नहीं करते, बाकी असलम भी रखते हैं वो भी आप लोगों को पता ही है। तो चलो ठीक है, सब चीज़ डन हो चुकी है और लोकेशन के मैं बिल्कुल करीब हूँ, मात्र एक मिनट की भी लोकेशन यहाँ से दूर नहीं है। यहाँ पे मैं बर्गर वगैरह खाने के लिए रुक गया, तो और तो कुछ नहीं दोस्त, अपना बर्गर बुर्गर ठूस लिया मैंने। ये देखो, ये नहीं बर्गर की शॉप, यहाँ बर्गर पिज्जा ठूस लिया अपना, और फिलहाल अब यहाँ से निकलने की प्लानिंग है। तो चलो भाई, गाड़ी में बैठते, डिग्गी मैंने बंद कर दिया दोस्तों। अब आपको भी दिखा देता हूँ क्या सीन है क्या नहीं। उन्होंने मुझे यहाँ पे गोल्फ वाले क्लब में बुलाया है, कह रहे हैं यहीं पे आ जाओ, और सुनने में आया कि एरिया इन्हीं का ही है। ठीक है भाई, किसी का भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम ये देखो कैसे बंद है भाई, कहाँ से कट मारते हैं यहाँ। मैं तो सोचता था वाई सिटी के बंदे दिमाग से थोड़े पैदल हैं, यहाँ तो वाई सिटी का नहीं, सॉरी लॉस सैंटोस के, यहाँ तो वाई सिटी के भी बंदे भाई दिमाग से पैदल है। तो फाइनली गाइस, हम लोकेशन के काफ़ी ज़्यादा करीब हैं, और सामने की साइड ही मुझे एंटर करना है, क्योंकि लोकेशन मैंने मैप पर लगा रखी है। जो भी उस बंदे ने लोकेशन दी थी, लोकेशन में मैं पहुँच चुका हूँ, वो भी ऑन दी टाइम, ना एक मिनट पहले ना एक मिनट लेट। फाइनली गाइस, लोकेशन में मैं आ चुका हूँ, ये लोकेशन मुझे बताई गई थी। ओके भाई, यहाँ तो सिक्योरिटी खड़ी है, पेपर मुझे रख देने चाहिए क्या? पर कोई नहीं, अंदर मेरी बातचीत हो रुकी है, अपन जाएंगे मस्त, अपने जैसे चलना है गाइस, अपने हाथ पीछे करके मस्त, बिल्कुल बोझ की तरह। अरे खुले में चलेंगे, हाथ भी पीछे क्यों रखने। तो यहाँ सिक्योरिटी है गाइस, यहाँ ऑलरेडी मेरा वेपन आ जाएंगे, कि मेरे पास वेपन है तो मुझे वेपन बाहर ही छोड़ना पड़ेगा। ओके, गन है मेरे पास, ओके अभी रख देता हूँ। तो टू 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 बोल की मशीन, तो गाइस मुझे गन रखनी पड़ेगी, गन रख देता हूँ। ठीक है सर, समझ गया मैं। ओके, तो भाई इन्होंने बोला है सामने उसमें बैठ जाओ, सर आप ऑलरेडी मेरी मीटिंग फिक्स है गाइस। तो इन्होंने सब कुछ चेक करा, मेरे को दोबारा चेक करा इन्होंने। तो ठीक है, जैसे कि इन्होंने बोला है, अब इनकी बात तो मान ही लेंगे हम, क्यों ऐसे बेफालतू में पंगे लेंगे। इसमें बैठने को बोला है तो मैं बैठ गया हूँ दोस्तों इसमें। चलो भाई साहब, लेके चलेंगे गाइस। ये रुक क्यों गया, भूतनी के लेके चलना लगता है सामने, अभी ये वहाँ बातचीत करेंगे कि लेके आना है या नहीं लेके आ रहा है, फिर भाई सिग्नल देंगे जब ही जाएंगे। क्या ही सीन कर रखा भाई, हाँ तो इतनी सिक्योरिटी तो हम नहीं रखते इस हिसाब की, और देख लो सिक्योरिटी पूरी टाइट कर रखी है। अब वहाँ से मेरे ख्याल से जहाँ पे वो लूसी और जैसे है ना, अगर वहाँ से आ गया अप्रूवल तो फिर मुझे यहाँ से आगे लेके जाएंगे, नहीं तो नहीं लेके जाएंगे मेरे ख्याल से। लेट्स सी, मुझे अभी बिठा ही रखा है यहाँ पे, देखते हैं भाई कितनी देर में निकालेगा कितनी देर में नहीं। बिठा तो दिया इसमें, और ये गोल्फ कोर्ट या अपना लॉस सैंटोस में है गाइस। जैसे आपको भी पता होगा गोल्फ अपन भी बहुत खेला करते थे एक ज़माने में, पर अब यहाँ पर इतने बिजी हो चुके। ले चल भाई, यार ये इसने वेट ही करवा रहा है गाइस, ये लेके नहीं चल रहा हमें यहाँ पे, पता नहीं क्या सीन है। ले चल भाई, क्या हो गया, ये उस गार्ड की तरफ क्यों देख रहा है? ओ, उस गार्ड ने इशारा करा और अब ये लेके चलने लग गया भाई, देख रहे हो दोस्तों। चलो ठीक है भाई, फाइनली लेके तो चला, कम से कम एक मिनट हम यहाँ रुके हुए हैं, और वो बातचीत भी कर रहा था, मुझे इतना दिख रहा था रेडियो में दोस्तों। तो चलो, ओ भाई सिक्योरिटी देख रहे हो, मेन एंट्रेंस से सिक्योरिटी आपने देखी होगी, यहाँ बंदे वगैरह भी घूम रहे हैं दोस्तों, और मेन एंट्रेंस से सिक्योरिटी, ठीक है, और यहाँ पूरे रास्ते में सिक्योरिटी सिक्योरिटी, और बिल्कुल धीरे धीरे लेके चल रहा है भाई मुझे। क्या ही सीन है भाई, अलग ही माहौल लगा इस कसम से दोस्तों, क्या ही कसम। इतनी सिक्योरिटी मुझे भी रखनी चाहिए भाई, और अपना जो मैंने सोचा था अपना खुद का गोल्फ ऐसा खोलूँगा कोई भाई, कभी तो खोलेगा नहीं तो वो गोल्फ खरीद लेंगे बस की टैट। ये देख रहे हो दोस्तों किस हिसाब से सिक्योरिटी है यहाँ पे, पर मैं 101% कहता हूँ, यहाँ बारिश हो जाती होगी ना तो ये पानी भी ऊपर आ जाता होगा जिस हिसाब से, देखो अभी कैसे हो रखा है ये, क्या ही बात है। तो ये लेके तो जा रहा भाई मुझे, देखते हैं। मेरे को जेसन और लूसिया भैंस की दोनों की फोटोज ऑलरेडी आ चुकी है मेरे पास, कि दिखने में कैसे है वो। ओके, ये इस साइड लेके आ रहा है गाइस, तो इसी साइड है मेरे ख्याल से वो भाई रे। ओके, सामने की साइड मुझे बंदे तो दिख रहे हैं दोस्तों, मेरे ख्याल से वहीं है वो जेसन और लूसिया। लेट्स सी कि क्या बातचीत होने वाली है क्या नहीं, और ऊपर भी सिक्योरिटी है भाई, कितनी टाइट सिक्योरिटी रख रखी है भाई साहब। लेट्स गो दोस्तों, तो इसने यहाँ रोक दिया है, उतरते हैं भाई अब। तो चलो भाई, उतर गया हूँ मैं, और सामने ही गाइस मेरे सामने जेसन और लूसिया है। ओके, हेलो जेसन, ये लूसिया, यहाँ हेलो लूसिया, मेरा नाम माइकल है और मैं लॉस सैंटोस से आया हूँ। जैसे कि तुम्हें पता ही होगा तुम्हारे साथ मीटिंग फिक्स थी, और मैं आया हूँ रॉयल फैमिली की तरफ से, क्योंकि मैं रॉयल फैमिली का सीनियर मेंबर हूँ, और वही मीटिंग के बारे में डिस्कशन करना था। रॉयल फैमिली की तरफ से इतने बंदे आ गए और हमने सबको एक ही बोला है कि हमें तुम्हारे साथ कोई भी डील करनी नहीं है, तुम समझते क्यों नहीं हो? आप मेरे साथ एक बार बातचीत करें, और मैं यही चाहता हूँ कि बातचीत से सारे हल सोल्व हो जाते हैं, ठीक है? सोल्यूशन तो इससे भी निकल जाएगा मेरे भाई, जो मेरे हाथ में है, ठीक है? बता, निकाल दूं सोल्यूशन अभी, अभी हो जाएगा मैटर। अच्छा, बात तो आपकी भी सही है, हल तो हर चीज़ से सोल्व हो जाते हैं, पर मैं यही चाहता हूँ कि एक बार आप मेरे से बातचीत करें, तसल्ली से हम बात करेंगे तो कोई ना कोई सोल्यूशन तो हम इस चीज़ का निकाल पाएंगे ना।
कहना क्या चाहता है तू? चल तेरी भी सुन ली, बोल तेरा टाइम स्टार्ट होता है, जल्दी जल्दी बोल। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप और आपके जो ये बंदे हैं हमारे सिप रोक देते हैं और आपको पूरा सीन पता ही है। कुछ नया बोल, ये सब मैं सुनते आ रहा हूँ काफी टाइम से। हाँ नया ये है, हम ये चाहते हैं आप हमारी सिप मत रोको और हम आपको हिस्से में हिस्सेदारी दे देंगे। खुल के बोल कहना क्या चाहता है तू? हिस्सेदारी इन दिस सेंस, हमारी यहाँ से सिप निकला करेगी, सिप में जो सामान होगा हम चाहते हैं उनमें से आप कुछ ना निकालो, हमारी सिप वाई सिटी से क्रॉस होने दो और साथ ही साथ हम आपको रॉयल फैमिली की तरफ से वेपन्स प्रोवाइड करवाएंगे, बॉडीगार्ड्स प्रोवाइड करवाएंगे और कुछ भी चीज़ तुम्हें नीड हो वो भी प्रोवाइड करवाएंगे। हमारे पास वैसे किसी चीज़ की कमी नहीं है, वाई सिटी हम ही चला रहे हैं मेरे भाई, ठीक है? बॉडीगार्ड्स सारे असले हमारे पास सब है, ठीक है? कुछ नया बोल। साथ साथ हम आपको कैश भी प्रोवाइड करवाया करेंगे और एक रॉयल्टी मेंबर भी बनाएंगे आपको रॉयल फैमिली का। ये रॉयल्टी मेंबर में हमें मिलेगा क्या? अचार मिलेगा क्या? नहीं चाहिए भाई हमें ऐसे फुद्दू बनती, हम अपने खुश है वाई सिटी, हम तो रोकेंगे सिपाही की। तो कुछ हो रहा है तो बता दे जल्दी से। यहाँ मैं बिल्कुल आपकी बात मान रहा हूँ, साथ ही साथ अगर लूसिया और जेसन आप दोनों पे कभी कुछ भी ऐसा हो गया कि भाई आपको हमारी ज़रूरत है तो रॉयल फैमिली हमेशा आपके साथ रहेगी। मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा, अब हमारा ऐसा टाइम आ गया कि हमें किसी के साथ की जरूरत पड़ेगी। अरे लूसिया के करूँ मैं इस आदमी का, रे ना भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अच्छा अब तरह आपका कहना यह है कि रॉयल फैमिली का आपको साथ नहीं चाहिए। कर क्या सकती रॉयल फैमिली? रॉयल फैमिली क्या कर सकती है अगर आप वो जानना चाहते हो तो मैं आप लोगों को बता दूँ, रॉयल फैमिली बहुत कुछ कर सकती है। इतना ही नहीं, लॉस सैंटोस वो पुलिस भी रॉयल फैमिली के अंडर ही आती है। एक बार अगर रॉयल फैमिली ने ऑर्डर दे दिया तो पुलिस की हिम्मत नहीं होती कि वो काम कर सके जो रॉयल फैमिली ने मना कर दिया। समझ रहे हो मेरी बात? क्या जेसन और लूसिया में इतना दम है कि वो यहाँ की पुलिस और आर्मी को कंट्रोल कर पाए? क्या कहते हो? हमारे भी कुछ डील अगर तुम वो कंफर्म कर दोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ बोलो अपनी डील क्या चाहते हो तुम? पर मंथ कुछ फिक्स पैसा हमें अपने अकाउंट्स में चाहिए, बोलो करोगे? पर मंथ आपके पास पैसा बिल्कुल आ जाएगा। हमें न्यू हाईटेक वेपन्स भी प्रोवाइड करवाएगी रॉयल फैमिली तो हम तुम्हारे साथ हैं। वेपन्स भी रॉयल फैमिली की तरफ से आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे और अगर हमें नीड हो तो हम चाहते एक बस एक इस सारे पे रॉयल फैमिली यहाँ होनी चाहिए, बोलो होएगा? बिल्कुल, जब आपको नीड होगी रॉयल फैमिली हमेशा आपके साथ है। इन्हीं चीज़ों के लेके नहीं और भी कुछ फ्यूचर में कुछ भी चीज़ होगी रॉयल फैमिली आपके साथ है। बस हम यही चाहते हैं कि ये डील है, बदले में हम यही चाहते हैं आप हमारी कोई भी सिप यहाँ से ना रोके जो वाई सिटी होते हुए आती है। ठीक है तो हमें कल तक का टाइम दो, मैं और लूसिया दोनों इस चीज़ में चर्चा करेंगे, आराम से डिस्कशन करेंगे और फिर तुम्हें फाइनल बता देंगे कि लूसिया एंड जेसन तुम्हारे साथ है इस चीज़ में या नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके थैंक यू। तो फिलहाल गाइज ये यही सीन, खाना पीना नहीं नहीं सॉरी खाना पीना कुछ नहीं सर, बस मैं यही बातचीत करने के लिए आ गया था। तो फिलहाल गाइज हमारी यहाँ सारी बातचीत हो चुकी है, चलिए भाई साहब लेके चलिए मुझे बाहर निकलना अब। तो जैसे ही मैंने इन्हें कहा ना दोस्तों कि हम तुम्हारी सारी बात मानेंगे जो तुम कहना चाहते हो, और उसके बाद जैसे ही मैंने इनसे इन्होंने पैसे पूछे की भी बात करी, मैंने हर चीज़ में हाँ कर दी, तो इन्होंने ये कहा कि हम सोचेंगे ज़रूर, बाकी जवाब का तो वेट करना ही पड़ेगा। भाई मुझको दोस्तों क्या जवाब होगा इनका क्या नहीं, फिलहाल यही सीन है। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ दोस्तों, अपने होटल की साइड ही चलते हैं और तो यहाँ पे क्या ही सीन है, और कुछ काम है नहीं। रॉयल फैमिली से मैं बातचीत करूँगा कि ऐसी ऐसी बातचीत हो चुकी है, अब थोड़ा फालतू फुलतू तो बोलना पड़ता ही है दोस्तों। पर जहाँ तक इनकी ये जो सारी बातचीत मेरी हुई है, बंदा है थोड़ा एटीट्यूड तो दिखा रहा था पर बाद में नॉर्मल आ चुका था अपनी बात पे, और जाते जाते भाई ये बोल के गया है कि सर खाना खुना खाते भी जाना, पर आई एम सॉरी दोस्तों खाना खुना खाने थोड़ी आया हूँ मैं यार यहाँ पे, बाकी सिक्योरिटी इतनी तगड़ी है। तो देखो कमी इन्हें भी किसी चीज़ की नहीं है, इनकी भी बात यह है कि हमारे पास थोड़ी किसी चीज़ की कमी है। ठीक है अब जो भी है थीन डन है यार, अपन निकलते हैं यार यहाँ से, और तो क्या, फाइनली ये मुझे लेके आ चुका है यहाँ पे। अब वेट इनका जवाब का ही है भाई, ये रिप्लाई दे देंगे दोस्तों फिर ही मैं यहाँ वाई सिटी से जाऊँगा, ऐसे मैं जा नहीं सकता। और बातचीत रही अमांडा की, अमांडा के बारे में भाई मैंने अपने बंदे को मैसेज करा, गन उठा लेता हूँ एक बार अंदर से, ठीक है लेट्स गो गाइस, गन उठा लिया मैंने अपनी और निकल गया हूँ मैं यहाँ से। सिक्योरिटी देखिए आपने कितनी ज़्यादा रख रखी है इस बंदे ने, और शुरुआत में जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ी अकड़ के बात कर रहा था, फिर बाद में नॉर्मल अपने आराम से हमसे बात करने लग गया। बाकी अगर आपको लूसी एंड जेसन के बारे में कुछ पता हो तो भाई कमेंट्स में बता देना, बाकी दिखने में तो ऐसे ही लग रहे थे पति पत्नी है दोनों, जो भी है गाइस साथ में गैंग चला रहे, क्या ही बात है। पर छोड़ो ठीक है, वेपन की ज़रूरत नहीं पड़ी, तसल्ली से गाइस सारी चीज़ हुई है ठीक है, वेपन की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं भी यही चाहता था शुक्र करो नहीं पड़ी, नहीं तो मेरे को वहाँ से भग के आना पड़ता। पिस्टल भी मेरी बाहर रखवा दी थी इन्होंने करने को, ये मुझे वहीं टपका सकते थे। और ये थोड़े से ये भी देखी कितनी बार तुम आओगे,
मेरे ख्याल से ना ये चाहते ही ये थे कि रॉयल फैमिली इतनी सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड करवाए, क्योंकि इनको पता था माल यहाँ से नहीं जाएगा तो रॉयल फैमिली को काफ़ी लॉस होता है। और मेरे ख्याल से मैंने सारी चीज़ों के लिए हाँ कर दी, तो अब ये रेडी हो गया गाइस हमारे साथ डील करने के लिए। बाकी इनका फाइनल जो भी आंसर होगा ये मुझे कल बताएंगे दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कल बताओ परसों बताओ मुझे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरे को अब ना गाइस रॉयल फैमिली के छोटे बारी से बात करनी पड़ेगी और उनको बताना पड़ेगा कि ऐसी ऐसी बातचीत हुई है, उन्होंने ये कहा कि हमें थोड़ा सा टाइम दो फिर वो बता पाएंगे। और टोमी भाई से यार मेरी मुलाकात नहीं हुई, बाकी टोमी भाई एक बार मेरे को इस मेल्यूब्यू वाले क्लब में भी लेके आए थे, नेक्स्ट लेवल का मज़ा आया था गाइस इस क्लब में। तो अपन थोड़ी बीच की साइड चलते हैं, वहाँ पे मैं एक बार अपने रॉयल फैमिली के छोटे वारिस से बात कर लेता हूँ, उनको समझा देता हूँ कि ऐसी ऐसी बातचीत हुई है, अब वेट ही करना पड़ेगा रिप्लाई का, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है भी नहीं दोस्तों। कम से कम वो इतना तो आए कि हाँ भाई हमें थोड़ा सा टाइम दो सोचेंगे, नहीं तो अरे तो सीधा ही मना कर देते हर बार रॉयल फैमिली के छोटे वारिस ने मुझे बताया। सही है यार, अरे क्या बंदे हैं, खड़ी गाड़ी कहीं मोड़ लेते हैं भाई, यहाँ देख के गाड़ी चलानी पड़ेगी 101% वाई सिटी में दोस्तों, लोग लगे आज दिन में ही चढ़ा के चलते हैं, यहाँ तो 101% जिस हिसाब का यहाँ का सीन है। बाकी चलते हैं यहाँ की बीच की साइड आराम से, थोड़ी सी गाड़ी कोड़ी कहीं पार्किंग वर्किंग पर लगा दूँ। अरे भाई 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 यहाँ रोडों पर भी पानी आने लग जाता है दोस्तों, अलग ही सीन चल रहा है यहाँ का, तो वाई सिटी अलग ही है भाई, वाई सिटी के नज़ारे अलग ही है दोस्तों। पर पानी, क्योंकि कल आपको मैंने बताया था ना यहाँ का मौसम कुछ इतना ख़राब हो गया था जिसकी वजह से क्या ही सीन हुआ था। लेट्स गो, गाड़ियाँ वगैरह और भी एंटर होती है, देखना हमारी गाड़ी ही नहीं और गाड़ियों के भी यहाँ पे निशान है बड़े भयंकर भयंकर, तो अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी कर देते हैं, ज़्यादा आगे मैं नहीं लेके जाऊँगा अपनी गाड़ी दोस्तों, अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी कर देते हैं। और अब फ़ोन मिलाते हैं रॉयल फैमिली के छोटे वारिस को, उनको बताते हैं कि हमने ऐसी ऐसी बातचीत करी और ये हमारी डील हुई है दोस्तों, ठीक है। अब आएगा असली मज़ा, बाकी पिस्टल वगैरह तो मैंने उठा ली अपनी, वहाँ से पिस्टल लेके आ गया भाई, मतलब मशीन रख रखी है स्कैन वाली, कोई बंदा कोई वेपन लेके ही ना चले जाए, कोई छुपा के भी ले जाएगा ना दोस्तों तो अपने आप मशीन टू 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 कर देगी। मैं वैसे भी चेक करते हैं और मशीन भी लगा रखी है, अलग ही सोदा पानी कर रखा है इन्होंने जो भी कर रखा है। तो चलो ठीक है, करते हैं भाई अपने भाई साहब जी से बात, बोले तो रॉयल फैमिली के छोटे वारिस से। तो भाई रॉयल फैमिली के छोटे वारिस से तो दोस्तों मेरी बातचीत हो चुकी है, और मैं ना भाई टोमी भाई को ही फ़ोन मिलाने की ट्राई कर रहा हूँ, पर टोमी भाई का फ़ोन ही नहीं मिल रहा है भाई, पता नहीं क्या सीन है क्या नहीं। अब वाई सिटी आ गया, उनसे बिना मिले बिना तो नहीं जाऊँगा ना भाई, बाकी पेपर्स वगैरह भाई रॉयल फैमिली के छोटे वारिस कह रहे हैं वो भिजवाएंगे कल, तो फिलहाल तो अभी मैं यहीं हूँ। देखो अगर उन्होंने भाई हमें हाँ बोल दिया तो मुझे पेपर्स पर साइन करवा रहे हैं उनके, और वो पेपर्स लेके उल्टा वाई सिटी मतलब लॉस सैंटोस चले जाना है। रही बात अमांडा की, तो अमांडा के बारे में भाई मैंने अपने बाबूराव भाई को बोल रखा जिसने हमें इन्फॉर्मेशन देते कि अमांडा वाई सिटी में ही है, तो उसने मुझे बोला है कि उसने अपने बंदे को अपडेट मैसेज कर रखा, उसका बंदा अभी रिप्लाई नहीं कर रहा है, जैसी वो रिप्लाई कर देगा अमांडा की लोकेशन मेरे को शेयर कर देंगे दोस्तों। अब मैं सोचा था अभी टाइम में मैं आपको अमांडा के लोग अमांडा के पास ही ले चलूँ, अमांडा को दूर से ही देख लेंगे कम से कम भाई क्या सीन चल रहा है क्या नहीं, पर हमारे पास लोकेशन नहीं है भाई अमांडा की फिलहाल दोस्तों। अब वो बंदा भी फ़ोन नहीं उठा रहा, और मैंने अपने दोस्त से वो नंबर भी लिया जिस बंदे को हमने काम दे रखा था अमांडा को फॉलो करने का, वो मेरा भी फ़ोन नहीं उठा रहा है दोस्तों, पता नहीं क्या सीन चल रहा है क्या नहीं। छोड़ो अब क्या बोले भाई, किस्मत ही हो गए खुद फिर की करेगा बोन बेटा था दो। और मैंने न्यूज़ देखी तो भाई यहाँ पे ना मतलब इतना आज तक नहीं हुआ जितना अब हो रहा है वाई सिटी में, क्या पानी का भाव देखो ना कितना ऊपर आ चुका है भाई, अलग ही सीन हो चुका है पानी, एक तो पूरी तेज तेज आ रहा है, बहुत तेज भाव हो गया भाई पानी का। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये है बिल्कुल वो एरिया जो पानी के बिल्कुल क्लोज है, शिप वगैरह चलती है यहाँ के नज़ारे। मैं एक बार गाड़ी ना साइड पर लगाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ कि क्या, अरे यार यहाँ तक पानी आ जाएगा क्या, नहीं यार ये नहीं होता, ये देखो दोस्तों ठीक है यहाँ मैं आ गया हूँ, और यहाँ देख रहे हो क्या हो रहा है, पानी वहाँ से एंटर कर जा रहा है यहाँ तक, तो आप समझ सकते हो कि भाई अलग ही सीन हो चुका है। तो मतलब जितने भी सिप सर्विसेज वगैरह है वो सब तो अभी के लिए बीच में रोक ही दिए गाइस, रीज़न एक ही है क्योंकि पानी का भाव काफ़ी ज़्यादा तेज है, तो भाई सिप वगैरह भी यू आड़ी टेढ़ी मछली की तरह लहरा जाएगी दोस्तों, इसलिए सब चीज़ बंद कर रखी है यहाँ पे, अलग ही माहौल है। बाकी टोमी दादा के एक जानकार थे और मेरे भी दोस्त थे यहाँ पे, मैं सोचा उनसे मिल जाऊँ, पर यहाँ के तो नज़ारे ही अलग है। देखो शिप खड़ी है, शिप के अंदर भी पानी घुस जा रहा होगा, देख रहा 101% शिप के अंदर भी पानी घुस रहा है यहाँ, तो अलग ही माहौल चल रहा है वाई सिटी का। तो सही है दोस्तों, देख रहे हो किस टाइम वाई सिटी आया हूँ मैं भी, यही माहौल रहा तो वाई सिटी किसी टाइम डूब जाएगा भाई। चलो कोई नहीं, अब क्या ही बोलूँ, नहीं ऐसा तो कुछ होगा नहीं भाई, गवर्नमेंट है यहाँ की सब कुछ संभाल लेगी, होता रहता वैसे यहाँ पर, इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया भाई, नहीं तो ये सब तो यहाँ का नॉर्मल ही है। और गाड़ी मैंने दूर इसीलिए खड़ी, मैं नहीं चाहता ये पानी में घुस जाए भाई, गाड़ी रॉयल फैमिली के छोटे वारिस ने मेरे को प्रोवाइड करवाई है, यही सीन है फिलहाल। तो यार अमांडा के अपडेट के चक्कर में मैं घूम रहा था, पर अभी तक कोई मैसेज वगैरह मुझे नहीं आया। बाकी हाँ आप एक चीज़ कमेंट सेक्शन पर बता सकते हो कि भाई आपको वाई सिटी की कौन सी जगह पसंद है, तो मैं उस इलाके पर जाऊँगा और फिर आप लोगों को भी
दिखाऊंगा 101% दोस्तों। निकल गए हम यहाँ से, वैसे तो सब कुछ क्लीन है यार, ऐसा भी नहीं कि इतना बुरा हाल है, पर हाँ कई रास्ते बीच बीच में है काफ़ी ज़्यादा ख़राब दोस्तों। ठीक है, मुझे जो थोड़ा बहुत याद है, मुझे याद है यहाँ देखो सामने मॉल हुआ करता था, और मॉल भी आज मेरे ख्याल से बंद कर रखा है क्या, मेरे ख्याल से मॉल भी आज बंद कर रखा है। देख रहे हो दोस्तों जिस हिसाब से यहाँ कांड कुंड हो रखा है, और देखो पेट्रोल पम्प, कार वॉशिंग, मतलब सब चीज़ें यहाँ पे मुझे याद। तो और सामने गाइस एक क्लोथिंग की शॉप भी हुआ करती थी, ये वाली यही होती थी मेरे ख्याल से गाइस, यहाँ क्लोथिंग वगैरह की शॉप भी हुआ करती थी या रेफिल, हाँ यही है। तो पुरानी यादें पानी की ताज़ा हो चुकी है दोस्तों। पर ठीक है यार, अपन को अब अपने होटल की तरफ चलना है गाइस, होटल की तरफ चलते हैं। होटल तो यहाँ से दूर ही है, अब कुछ कर तो सकते नहीं अभी फिलहाल, कुछ काम है ही नहीं, होटल की तरफ चलते हैं क्योंकि शाम भी होने वाली है। तो ठीक है, देखते हैं अब क्या करने का है क्या नहीं यार, पता करवा दे भाई, तेरा भला हो जाएगा। तो फिलहाल ना उस बंदे का नंबर मैंने इसको दिया है, इसने कहा ठीक है मैं ट्रैक करवाता हूँ कि कहाँ पे नंबर कहाँ पे नहीं, और साथ साथ अमांडा की जो डिटेल्स मेरे पास है वो भी मैंने इसे दे दी है। तो इसने कहा कोई नहीं, अपने बंदे बहुत है, मैं पता कर लूँ अगर वाई सिटी में ही होंगे। तो ये वही बंदा जो कि रॉयल फैमिली के छोटे वारी ने भाई मेरे लिए भिजवा रखा है, और वाई सिटी में यही मेरी पूरी मदद करा, और यही मुझे लेने आया था इसी गाड़ी में। देख रहे हो दोस्तों, रात को ये गाड़ी आपको दिख नहीं रही, और बंदा भी नहीं दिख रहा होगा, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सीन हुआ था, चलो कोई दिक्कत नहीं यार। हालांकि भाई बहुत अंधेरा था कल तो भाई, मतलब लाइट ही नहीं चल रही थी भाई, पता नहीं क्या सीन हुआ था क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा घुस गया था यहाँ वाई सिटी की तरफ। पर चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो होप करते हैं दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो में मज़ा आया, मज़ा आया तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। फाइनली आ चुका हूँ मैं होटल पर, और शाम का टाइम हो चुका है, और इस बंदे ने यही कहा है सर आपको एक दिन का वेट करना ही पड़ेगा, वो पीछे से भी ऑर्डर आया। और मैंने कहा मैं वेट करूँगा भाई, मेरी ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है, तू मुझे अलग से मत बता, रॉयल फैमिली के छोटे वारी से मेरे ऑलरेडी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। तो सब चीज़ें सेट है दोस्तों, अब तो चख दे पड़े नाबदे के लिए, अब बस मान जाए लूसियन जेसन, पेपर ऑलरेडी भिजवा देंगे वो कल मेरे ख्याल से, तो सब कुछ डन हो ही जाएगा मेरे ख्याल से, तो सारी डील हो जाएगी, फिर मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाऊँगा। लेकिन जिस काम के लिए मैं आया हूँ मेन, ये तो काम है ही, एक और काम है अमांडा को पता करना, वो भी करते हैं, लेट्स सी कर पाएंगे या नहीं। और टोमी दादा से भी मिल जाए तो ठीक है दोस्तों, देखते अब क्या होगा क्या नहीं। तो मिलता आपसे अगले एक ब्रांड वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, चंगा फिर अगली घड़ी मेरे प्यारे दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों आ चुके हैं हम आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई देने के लिए, बिल्कुल सही। आई नो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई तुम वीडियो में इतना डिले क्यों कर रहे हो, क्योंकि फिलहाल मैंने ये सोचा था कि हम एक एक दिन करके वीडियो डालेंगे, और बीच में हम लाइव भी आ चुके थे। और फिलहाल अभी का सीन ये है दोस्तों कि हम रेगुलर हो जाएंगे, फिलहाल आपको एक स्क्रीन पर एक चैनल दिख रहा होगा, हम इसमें लाइव आया करेंगे। अगर आप इस चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो आप कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और फिलहाल अभी का सीन ये है दोस्तों, यूज़र भाई का सबसे पहला कमेंट है, बिल्कुल सही, वोट फॉर बाय ब्लैक कमांडो, ओके करो भाई वोट करो, बिल्कुल आएगी सिक्योरिटी, वोट करो तो सही। किंग ठाकुर, वोट फॉर परचेज न्यू बंकर, ओ ये भाई प्लेबॉय मेंशन ले लो, प्लेबॉय मेंशन भी ले लेंगे भाई, कैसी बातें कर रहे हो यार तुम, प्लेबॉय मेंशन कोई बड़ी चीज है यार। अर्श खान गेमिंग, अक्षय भाई लीडर को अपना पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड रखो, ओके कोई दिक्कत नहीं है भाई, पर्सनल सिक्योरिटी तो तुम दिक्कत मत लो, बड़ी तगड़ी सिक्योरिटी ले लेंगे हम भाई। तो शार कुमार, कंग्रेचुलेशन भाई न्यू सिक्योरिटी गार्ड, मजा ही आ गया वीडियो, थैंक यू ब्रो, थैंक यू। और जो अपना जो लीडर है इनका, तुम कह रहे हो इसको पर्सनल रखो, तो हम पर्सनल ही रखेंगे भाई, सब अपनी पर्सनल ही है, ठीक है। और नोट पमी गेमर, मेल्यूबू मेंशन लोग ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है भाई मेल्यूबू मेंशन ही हम लेंगे, कोई मेल्यूबू कह रहा है उस चीज़ की मैं वोटिंग निकाल दूँ, आप बताना ठीक है भाई। प्लीज़ ब्लैक कैट कमांडो, ब्लैक कैट कमांडो, ओके ब्रदर। यूज़र भाई दादलिया माखेन, प्लेबॉय मेंशन लो रॉयल फैमिली से, अरे रे वीडियो में बहुत मजा आता है, थैंक यू भाई, मजा आ गया वीडियो देखकर, मजा आ, थैंक यू तुषार भाई, लव यू ब्रदर, कमेंट नहीं कर पाया सॉरी पहले वाली वीडियो में, पर देखता तो पूरी वीडियो, थैंक यू ब्रो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसी पुरानी वीडियो में सिक्योरिटी लगी थी वैसे ही प्लेबॉय मेंशन फिर से लोग, अरे तगड़ा सिक्योरिटी लगा देगा भाई, ओके प्लेबॉय मेंशन, मेलिबू मेंशन, अरे भाई साहब ये तो अलग ही युद्ध हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, कम्युनिटी पोस्ट में इस चीज़ में निकालूँ, तुम वोट करना ठीक है। इंसानिया भाई फिर से इलेक्शन में खड़े हो जाओ रैली में, और जिमनी के स्कॉर्पियो को गोल्ड करा लो जैसे पहले कराया करते थे, ठीक है भाई। अक्षय भाई मेलिबू मेंशन ले लो, ठीक है मेलिबू के काफ़ी ज़्यादा वोट्स आ रहे हैं, मैं आप लोगों को बताऊं, और प्लेबॉय मेंशन के लिए भाई छोटे वाली इसको BMW Z4 दिला दो भाई, उससे भी तगड़ी गाड़ी हमने ऑर्डर कर रखी थी उनके लिए, पर खुदा ना खास्ता कुछ कांड हो गया हमारे साथ, पर चलो कोई ना, आप क्या कर सकते हैं। अबे भाई जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम मेरे भाई, भाई सिक्योरिटी के लिए जी वैगन ले लेंगे, नम्रता ठाकुर कोई दिक्कत नहीं, राधे राधे। अबे भाई सिक्योरिटी के लिए फॉर्चुनर ले आओ, सिक्योरिटी के लिए और भी गाड़ी आएगी क्योंकि अपनी तगड़ी सिक्योरिटी आ गई, और तगड़ी सिक्योरिटी को एक ही चीज़ मंगती है और वो है तगड़े वेपन्स, तगड़ी गाड़ियाँ जो कि हम लेके आएंगे। अक्षय भाई जल्दी से वाई सिटी जाओ और अमांडा को रिस्क करके लेके आओ भाई, अगली वीडियो का वेट करो जो कि कल ही आएगी दोस्तों, ठीक है। अवेश भाई वीडियो ओपी, थैंक यू, लव यू ब्रो, सिक्योरिटी को कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू घोष सिक्योरिटी ओपी, थैंक यू जिमी को माफिया बनाओ, वाई सी टी ट्रेनिंग सेंड, ओ हो सही में कर दूँ क्या, चलो ठीक है। दीक्षांत अक्षु भाई जल्दी से शिफ्ट दिखाओ, वही स्विफ्ट लोस सेंटोस में, और हम हैं अभी
आपको पता है वाई सिटी, ठीक है इनसे कार ले लो, मजा आ गया वीडियो देखकर। थैंक यू अभय मेरे भाई, मैं लव यू मेंशन, ओके घोष सिक्योरिटी ओपी, मजा ही आ गया वीडियो देखकर, लव यू भाई तुषार भाई, थैंक यू एनर्जी सिक्योरिटी ले लो भाई प्लीज जल्दी से, ओके यूजर भाई जिमी की वीडियो कब आएगी, जल्दी आएगी, मैं लव यू मेंशन जल्द ज़्यादा अच्छा लगेगा, ओके ठीक है। आज भाई BMW Z4 लेकर आओ रेड कलर की, ओके ब्रदर कोई दिक्कत नहीं, डब्बे का डब्बा में ओ हो क्या बात है, स्कॉर्पियो मॉडिफिकेशन फॉर बॉडी गार्ड, यस प्रीत हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं, जिमी कार कलेक्शन वीडियो ठीक है भाई, एक रोल्स रॉयस एक नेक्स्ट बोल के साथ वीडियो जल्दी आ जाएगी कोई दिक्कत नहीं है। स्वयं मेहर भाई मेल्यूबू मेंशन ले लो, नंद किशोर ठीक है पाजी ले लेंगे जी, अक्षय भाई ग्रैंड आरपी, यार आरपी और भी मैं खेलता नहीं दोस्तों, बाकी तुम हमारी लाइव ज्वाइन कर सकते हो जैसे कि मैंने तुम्हें दिखाया अभी तक कि कौन से चैनल पर हम लाइव आने वाले हैं, तो फिलहाल सीन यही है हम जल्दी आएंगे पर तुम लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो उसे, नहीं तो अक्षय भाई रेड डेविल सिक्योरिटी को आपके साथ जिमी के साथ ओके ओके करेंगे, हाय हाय के ओके हेलो लव यू भाई लव यू टू, ओके जय माता दी भाई जय माता दी, वाह जी वाह मजा ही आ गया, थैंक यू अरमान भाई, थैंक यू अबे भाई, अक्षय भाई आप डिफेंडर को ब्लैक जेड करवा देंगे कोई दिक्कत नहीं, डिफेंडर ओपी थैंक यू माइक, ओके मेल्यूबू मेंशन लो एंडेवर, ओके भाई साहब क्या ही कमेंट आ गए हैं दोस्तों, स्कॉर्पियो फॉर बॉडीगार्ड मैंने कहा था मैड बॉय बिल्कुल आई नो, और बॉडीगार्ड लेकर चला करो, ओके भाई अपने पीछे भी लेकर चलेंगे, प्लेबॉय मेंशन ओके, न्यू सिक्योरिटी के लिए न्यू कार ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, हाउस में एक बंकर लो ठीक है। अक्षय भाई आज की वीडियो अच्छी थी, कंग्रेचुलेशन न्यू गार्ड, प्लीज लो सेंटोस का प्राइम मिनिस्टर वापस बन जाओ, प्लेबॉय मेंशन में वापस ले लो और अपने लिए पूरी सिक्योरिटी लेके आओ, दूसरे चैनल का लिंक शेयर कर दो, संडे को लाइव स्ट्रीम कर लो प्लीज, ओके ठीक है संजय भाई, लिंक तो क्या आप सबके सामने शुरू में ही मैंने कर दिया है, अपने ऑफिस के लिए कमांडो मंगवा लेंगे कोई दिक्कत नहीं भाई, जमीन खरीदने के लिए नया मेंशन लो, प्लेबॉय मेंशन ओके मजा ही आ गया, वो ये डब्बे में डब्बा डब्बों में केक, अक्षय भाई लाखों में कोई चक्कर नहीं भाई, आप भी तो एक सिक्योरिटी ले लो, अरे अपना ही है यार भाई वो मेरे पर्सनली मान लो इस छोटे भाई, कंग्रेचुलेशन थैंक यू भाई डिफरेंट यूनिवर्स, ओ ये क्या बात है, प्लेबॉय मेंशन आपके जिमी की शादी करवा, जिमी की करा देंगे यार कोई दिक्कत नहीं, चलो जिमी की शादी कराते हैं, अक्षय भाई जिमी की शिफ्ट कब बनेगी भाई, वो लॉस सेंटोस जाके ही पता चलेगा ना दोस्तों, बॉडी गार्ड लो फॉर्चून कर लो वो भाई जीवेगन, ओके ओके ओ क्या बात है क्या बात है, लव यू उधर लव यू टू मेरे भाई, दुनिया बड़ी जालिम है बुरे वक्त में माइकल दादा का साथ छोड़ दिया, जिमी ने साथ दिया था बिल्कुल रिसा भाई, बिल्कुल सही बात कर दी आपने, इसी बात पर लाइक कर दिया हमने आपको, हेलो भाई जिमी को बुलेरो दिलाओ, ओके मैं लव यू मेंशन एयर सिक्योरिटी G63 ओके प्रोवाइड करवा देंगे कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रतीक भाई आप डगन बोल जैसी सिक्योरिटी भी जाओ पता चलना चाहिए, अरे उससे तगड़ी सिक्योरिटी हमारे पास, उसकी सिक्योरिटी में तो मैं खड़े खड़े हिला दूँ से, माइकल दादा जिमी भाई आप एक डांस प्रैक्टिस कर रहा है, डांस टीचर है, सरप्राइज देना चाहता है, अच्छा ये बात है देख लेते हैं भाई, ऋषभ भाई लव यू टू भैया, लव वीडियो कब आएगी, वीडियो अभी आ जाएगी मेरे भाई नेक्स्ट लेवल भाई, थैंक यू अपनी वीडियो, जय श्री राम डायमंड के सीनो, ओके 1 2 3 वो अक्षय भाई के जय जयकार, क्या बात है क्या बात है, ओके थैंक यू अक्षय भाई कमेंट करने के लिए, आपने जो प्ले बॉय मेंशन बेचा था उसी वापस ले लो, इंसानिया भाई ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं, हाय हाय भाई लव फ्रॉम लुधियाना, थैंक यू भाई, घोष सिक्योरिटी तो माइकल द इल्यूमिनाटी के पास भी है, क्या बात है बढ़िया बात है भाई, आपको याद होगा आपके म्यूजिक मेंशन 2 साल पहले बिग बॉय माफिया ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, आई नो भाई सबका बदला लेगा तेरा फैजल तेरा अक्षु मतलब, ठीक है भाई कृष्ण भाई कॉपी ए ओ हो क्या बात है कोई नहीं भाई फर्स्ट ठीक है, अक्षय भाई आर्मर कार्ड दे दो और डिफेंडर के अलॉय व्हील्स बॉडी गार्ड, अरे देखो आर्मर कार भी आ जाएगी, डिफेंडर के अलॉय व्हील्स भी चेंज कर देंगे, कार्बन फाइबर भी लगवा देंगे ठीक है, लाइक करें लाइक करें, हाय अक्षय भाई क्या हाल है, अक्षय भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मिलना चाहता हूँ ग्वालियर से लो, जल्दी मिलेंगे ठीक है अरविंद भाई, बाकी थैंक यू गाइस कमेंट करने के लिए, मजा आ गया भाई देख कर, लव यू थैंक यू, अपना ऑफिस एनर्जी कमांडो ठीक है, हर हर महादेव धबे भाई, पुराना मेंशन लो पुराना मेंशन भी ले लेंगे, हेलो भाई हेलो अन्ना की तो देखो भाई हम ऐसे ही करेंगे ही करेंगे ठीक है, चेतन भाई कमेंट करने के लिए थैंक यू अभय भाई, प्लेबॉय मेंशन जिमी गेट्स क्या देखो जिमी का भी देख लेंगे, अक्षु ओपी क्या बात है, अक्षु गेमिंग टेक्निकल भाई वो भी कर रहे हो, नई गेम होता तो एक काम करो बॉडीगार्ड के लिए सबसे पहले कार, अरे वो तो हम कर ही लेंगे भाई, यार कहाँ तुम भी यार कैसी बातें करते हो यार, ठीक है सिक्योरिटी गार्ड के लिए लेमोनी और स्लो ओके ठीक है भाई, आप छोटे वारिस को सुपर एम को 4 जिमी को डबल पार्टर सिंगल पावर अन्ना हाथ तेजू पाजी नोटी हो रहे हो, अक्षय भाई मिलने आ रहे हो ना मुझसे मिलने प्लीज़ याद आ रही है, नंबर दे दो मुझे दे सकते हो या देखते समय थक चुका हूँ सुबह, ओ भाई क्या बात है मुझे रिप्लाई नहीं दे रहे, तनुज भाई आपको हम रिप्लाई दे रहे हैं बिल्कुल भाई, आप हमें इंस्टा पे बिल्कुल सही इंस्टा पे हमें एक बार मैसेज कर दीजिए बस ठीक है, ओके ब्रदर लेट्स गो, हेलो ब्रो हेलो हेलो है भाई, जिमी से प्रैंक करो, जिमी पे प्रैंक भी कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है भाई, तो ठीक है दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ कमेंट्स, थैंक यू जी फ्यूगो कमेंट्स करने के लिए, आपसे मिलेंगे हम अगले एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे प्यारे दोस्तों।